and for inviting me in this session. And I'm thankful to UGC HRDC for this continued support and continued association with us. Thank you so much. So I am sharing my PPT. Yes, ma'am, it is visible. So contents of research proposal is the topic of today's my presentation. In this title and objectives, hypothesis formation and research design I have taken. So friends, before starting my topic, I would like to share one energizer, one story to all of you. सोचते हैं कि वर्कलोड यानी क्या है, वर्कलोड किसको कहते हैं. आज आप लोग सब लोग आपके साथ हूं, तो हम लोग सब बैठे हैं एक प्री पीएचडी कोर्स वर्क में. आपको एक कोर्स वर्क दिया गया है जो आपको पूरा कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको लास्ट में एक एग्जाम देनी है जो ऑनलाइन है. वो एग्जाम भी बेस्ड कहाँ पे रहेंगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है इस ऑनलाइन क्लासेस में, उसके बेस पे ही आपकी ऑनलाइन एग्जाम भी रहेगी. तो देखते हैं कि वर्कलोड क्या है और हम लोग क्या सोचते हैं. देखिए, ये सब लोग जो है आप जैसे पार्टिसिपेंट्स हैं, और सबको एक जैसा वर्कलोड दिया गया है, और सब अपना अपना वर्कलोड उठा के जा रहे हैं. जो क्रूज उनके कंधे पे दिया गया है वो उनका वर्कलोड है, और सब उठा के लेके जा रहे. लेकिन ये हमारा एक पप्पू है जिसको हमेशा लगता है कि मैं ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, मुझसे कम वर्कलोड सबको दिया गया है, और मेरे गाइड ने ही मुझे बहुत कठिन ऐसे टॉपिक दिया हुआ है कि जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरे मुताबिक ये बहुत ज्यादा भारी है. तो इसलिए वो थोड़ा सा उदास है और चल रहा है अपना वर्कलोड लेके. अभी वर्कशॉप कर रहा है और बैठा है उदास मायूस सा. फिर उसको लगा कि नहीं, मैं उसको उठा के लेके नहीं जा सकता, तो उसने लॉर्ड को एक रिक्वेस्ट की कि लॉर्ड, इट्स टू हेवी, प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल, इसको थोड़ा सा कम कर दो ताकि मैं उसको उठा के अच्छे से लेके जा सकता हूँ. तो देखिए, गॉड तो कुछ नहीं करता, उसने खुद ने ही आरी ली और जो भी उसका वर्कलोड था वो कम कर दिया. अब ऑनलाइन अपना क्लासेस चल रहा है, सबको पता है कि एक बार प्रेजेंटी हो गई तो हमने अपना वीडियो भी म्यूट करके रखा है, ऑडियो भी म्यूट करके रखा है, सुना नहीं सुना किसी को पता नहीं चलता. जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई भी रिसोर्स पर्सन बात करे, उनको भी म्यूट करके रख दिया आपने, और आपका चल रहा है, आपने सुना ही नहीं. जो भी पार्ट आपका चल रहा है वो आपने सुना ही नहीं, तो क्या होगा, वो कट के आपने उतना पोर्शन आपने कट कर दिया, तो आपको ईजी हो जाएगा. उसको इजी हो गया और वो जा रहा है. अभी उसको लगता है कि चलो थोड़ा सा हश कम हो गया मेरा वेट, अब मैं जा सकता हूँ. फिर से देखा उसने कि मैम आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. मेरा भी वेट बहुत ज्यादा है, और ज्यादा कम फिर से लॉर्ड को बोला कि लॉर्ड प्लीज क्लट इट डाउन अ लिटिल मोर, आई विल बी एबल टू कैरी इट बेटर. और फिर से उसने आरी ली, अपना वर्कलोड थोड़ा सा कम कर दिया. अब वो जा रहा है आगे, उसको लगा कि ओ अच्छा हो गया, बहुत अभी हल्का हो गया है और मैं लेके उठा के लेके जा सकता हूँ. तो वो अपना वर्कलोड अच्छे से उठा के सीटी बीटी बजा के जा रहा है, और सबसे आगे निकल गया क्योंकि उसका वर्कलोड बहुत हल्का हो गया था. लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम की बारी आई तो उसने देखा कि बापरे,
इतनी बड़ी खाई है, मुझे तो कुछ आंसर्स नहीं आ रहे, तो फिर उसने वहां पे वो रुक गया। लेकिन जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया था कोर्स वर्क, उन्होंने अपने अपने कोर्स वर्क का जो भी लोड उनके पास था, जो भी उनके पास एक्सपीरियंस था, उसका इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन एग्जाम की खाई पार कर दी और वो आगे जा गए, उन्होंने वो ब्रिज क्रॉस कर दिया। लेकिन अपना पप्पू वहीं रह गया और एक अकेला वहीं पे पीछे रह गया। बहुत बार ऐसे होता है ऑनलाइन एग्जाम में भी, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत बार ऐसे होता है कि आप आपकी जो एग्जाम, अगर आपने वहां पे पास नहीं की, आपने क्रैक नहीं की, तो आप कभी भी फेल भी हो सकते हो, तो आप अकेले वहां पे रह जाओगे। तो इसलिए जो भी आपको दिया गया वर्कलोड है उसको कट मत करिए। सो डोंट आस्क फॉर अ लाइटर लोड बट प्रे गॉड अ स्ट्रॉन्गर बैक। डोंट टेक एनी शॉर्टकट इन योर लाइफ। रिसर्च में, लाइफ में तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन रिसर्च में कभी भी शॉर्टकट लेना आने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जो भी आपको वर्क दिया गया है, जो भी आपको गाइड बोल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका पूरा करिए आप। उसमें शॉर्टकट लेने की या उसको कट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत बार अंतिम समय तक आते आते हमारा रिसर्च रुक जाता है। अब मैं 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, और शायद 1991 से मैंने PhD का काम शुरू कर दिया था, तो और आज तक मैं रिसर्च में काम कर रही हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं काम शुरू करती हूँ, थोड़ा सा काम करके रुक जाऊंगी तो नहीं होता ऐसे, क्योंकि अगर अच्छा काम अपने को करना है रिसर्च का, तो हमें उसमें और अच्छा करते रहना बहुत जरूरी है और उसको पूरा करना जरूरी है। इसलिए उसको कट मत करिए। जो भी आपका टॉपिक दिया गया है, जो भी आपको गाइड बोल रहे हैं, जो भी कोर्स वर्क में बोला गया है, उसको पूरा पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करिए, तो देखिए फिर आपका टॉपिक कितना अच्छा बनता है और फिर आप अपने अपने टॉपिक में कितनी अच्छी प्रगति कर सकते हैं। सो शुरू में जब भी हमको रिसर्च में लिखना है तो प्रीएम्बल या इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैडम, प्रीएम्बल्स में या इंट्रोडक्शन में या इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमने क्या लिखना चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो अपना रिसर्च या अपना थेसिस या अपना रिसर्च पेपर कुछ भी, तो आपको जो है एकदम कंसाइसली, एकदम शॉर्टली आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, वो वन पेज में होता है। लेकिन जब आप अपना थेसिस प्रेजेंट कर रहे हो, थेसिस कहीं आप इवेल्यूएशन के लिए भेज रहे हो, तो मैक्सिमम 50 पेजेस और मिनिमम 30 पेजेस का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। ये बात आप ध्यान में रखिए या लिख के रखिए। अब इंट्रोडक्शन जितना भी आप ब्रीफ करोगे, जब थेसिस की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन जितना ब्रीफ करोगे उतनी आपकी भी आइडियाज क्लियर होती जाएगी, और जो भी वैल्यूअर है आपका थेसिस का, जो भी वैल्यूअर है उसकी भी आइडियाज क्लियर होती जाएगी। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी देना बहुत जरूरी। इंट्रोडक्शन सर्व्स द कैटलिस्ट ऑफ फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट इंक्लूड्स, उसमें क्या होना चाहिए, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द पर्पस ऑफ द स्टडी इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम, ऑथोरिटेटिव व्यू पॉइंट्स ऑन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन एंड द रिसर्चर्स इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम। अब एक एक करके देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। जो भी आपने आपका टाइटल सिलेक्ट किया हुआ है या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपने जो किया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने उस प्रॉब्लम को देखा है, ये आपने वहां पे पूरा इलेबरेट करना जरूरी है। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो सिर्फ उसमें एक लाइन में दिया तो भी चलता है, लेकिन जब आप थेसिस लिख रहे हो तो ये कॉन्टेक्स्ट का जो आपका आइडिया है वो पूरा इलेबरेट होना जरूरी है। फिर आपने ये स्टडी किस पर्पस से करने आप कर रहे जा रहे हैं, या उसमें कुछ आप सजेशंस दे रहे हैं, उसमें कुछ आप मॉडल दे रहे हैं। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि उसका फायदा क्या होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये सोशल साइंस का अगर अगर टॉपिक है या साइकोलॉजी का अगर टॉपिक है, तो उसमें आपको एक मॉडल देना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे अगर आप पूरा एजुकेशन पॉलिसी को रन करेंगे तो ही स्टूडेंट्स को ज्यादा बेनिफिट
बेनिफिट हो सकता है। तो पर्पस ऑफ स्टडी, आप क्या करने वाले हो इस प्रॉब्लम से ले प्रॉब्लम को लेकर और उसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको वहां पे लिखना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव जब आप लिखेंगे, मैं बताने वाली हूँ इसके बारे में, ये बाद में आएंगे, ये यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में आपका पर्पस उद्देश्य तो लिखना ही है, लेकिन वो क्या लिखना है एक पूरा आपको उसका जिस्ट देना है कि मैं ये जो रिसर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसका पर्पस मेरा ये है, उद्देश्य ये है और इससे रिलेटेड ही मैं पूरा मैटर जो है वो कलेक्ट करूंगा। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई कोई प्रॉब्लम के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं या डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर हम लोग कोरोना के बारे में सोचेंगे, कोरोना भी होके गया है, पैंडेमिक सिचुएशन आके गई है, हम लोग सोचेंगे कि अभी बाद में फिर से नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो है इकोनॉमी पे हुआ है, उसके इफेक्ट्स जो है ये पॉलिटिकली भी हुए हैं, उसके इफेक्ट्स हमारे शरीर पे हमारे पूरे मानसिकता पे भी हुए हैं, तो इसका जो स्टडी होगा वो हर एक एंगल से अलग अलग होगा। तो वो एंगल आपका कौन सा है और आप किस पर्पस से जो भी एंगल आपने लिया है उसको रिलेटेड आपको यहाँ पे पूरा मैटर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपके व्यू पॉइंट्स जो है, आपने कौन से व्यू पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन लिए हैं। बहुत बार ऐसे होते कि उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे वहां पे वास्ट बहुत बड़ा एक ऐसा एक क्या बोलते हैं हम लोग टॉपिक है, लेकिन हमने कौन से पॉइंट लेके उस पे काम कर रहे हैं और उतने ही पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। कहाँ पे इंट्रोडक्शन पे या प्रीएम्बल में आई बात समझ में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैट करिए तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है करके, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैट में ही आप डाल सकते हो, चैट में ही आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको उसके उसका भी एक करेंगे, क्योंकि ये हम लोग क्या करेंगे आपके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लिखने के या समझने के, तो वो यहाँ पे हम लोग देंगे और मैं आपको बता सकती हूँ कि उसमें क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया कि कौन से व्यू पॉइंट्स होना जरूरी है। देखिए बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं एक टॉपिक के, एक प्रॉब्लम के, लेकिन आप कौन से व्यू पॉइंट्स पे काम करें उतना ही आपको यहाँ पे लिखना है, ज्यादा कुछ लिखने का नहीं है, लेकिन वो व्यू पॉइंट्स आपको एलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड आपका इंटरेस्ट, बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे अंडर ही एक लड़की थी जिसने पीएचडी करने के लिए आए थे मेरे पास, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके व्यू पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि मैडम मैं तो पुणे में रहती हूँ और पुना के कंपनी से मुझे इजीली डेटा मिल जाएगा, इसलिए मेरे को पुना लेना, उसको स्टडी एरिया जो लेना था वो पुना एरिया लेना था। मैंने उसको पूछा कि क्यों लेना है, तो उसने मुझे ये यहाँ पे आंसर दिया। फिर मैंने पूछा कि ठीक है बाबा आईटी कंपनीज है नागपुर में कम है, आप पुना में है तो आप पुना के ले सकते हो। फिर उसने मेरे को बताया कि मैडम मैं तो ये पर्टिकुलर आईटी कंपनी लूंगी, इससे मेरे को डाटा अच्छे से मिल जाएगा। मैंने बोला क्यों, वर्क लाइफ बैलेंस पे उसका टॉपिक था, मैंने बोला क्यों ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बोले मेरे हस्बैंड उस कंपनी में काम करते हैं इसलिए मेरे को इजीली डेटा मिल जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट एरिया है ये ऐसे नहीं हो सकता। आई बात ध्यान में, आपका इंटरेस्ट क्या है वो सोशली इकोनॉमिकली या कुछ उसमें से ह्यूमन बींग्स के लिए अगर बेनिफिट निकलता है, अगर साइंस के है फार्मेसी वाले है तो ह्यूमन बेनिफिट के लिए अगर कुछ वहां से सोर्सेस निकल रहे हैं या कुछ रिजल्ट्स निकल रहे हैं तो ही वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट कहा जाएगा। इसलिए अगर पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे लिखेंगे आप कि भैया मेरे तो घर के पास है, मेरे हस्बैंड उस कंपनी में काम कर रहे हैं, या ये जो सब्जेक्ट है इसमें मेरे को डेटा जो है इजिली मिल जाएगा इसलिए मैं ये प्रॉब्लम पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसे अगर आपने वहां पे लिख डाला तो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आपको रीराइट करने के लिए या रिविजन के लिए भेजा जाएगा थीसिस, कि ये इंटरेस्ट एरिया नहीं हो सकता। इंटरेस्ट एरिया क्या होगा कि आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है, एक प्रॉब्लम है उसको आपने फाइंड आउट किया है और वो प्रॉब्लम को लेकर आप ये बात कर रहे हैं कि इसमें मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लगा, इसमें मुझे लगा कि मुझे इसका एक सोल्यूशन देना चाहिए और इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है,
इसलिए मैंने यह टॉपिक सिलेक्ट किया है। मैं एक राइट वाटर सॉल्यूशन का एक आपको उदाहरण देना चाहूंगी। अभिजीत गान करके एक राइट वाटर जो सॉल्यूशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके ओनर है। वो 12वीं में फर्स्ट मेरिट थे, फिर इंजीनियरिंग किया उन्होंने उसमें फर्स्ट मेरिट थे, आईआईटी पिलानी से उन्होंने पास आउट किया था, एमटेक किया था, फिर उन्होंने जैन जो है एमबीए वहां से एमबीए किए। उनको बहुत सारे लोगों ने यानी अमेरिकन कंपनी ने तो उनको ऐसे ही बुला लिया था और फिर वो एकदम अमेरिका पे जाके सेटल होने का वो विचार ही कर रहे थे। तब उन्हें उनके पिताजी ने बोला कि अमेरिका जाने के पहले हम हमारे जो हमारा रूरल एरिया में गांव है वहां जाके देवी का एक दर्शन लेके आते हैं, फिर तुम जाना। जब वो वहां पे गया तो उन्होंने देखा कि गांव के सारे लोग जो है उनके हाथ पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा पिताजी से कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो बोले कि ये गांव के लोगों के ये मालूम नहीं एक कुछ एक उम्र होने के बाद एक 30-40 के बाद सबके पैर हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े। तो उसको अजीब लगा और उसके देखे दिमाग में चल रहा था अभी कि मैंने उसमें कुछ करना चाहिए। उनके उस वो बोल रहा था कि मेरे आंखों के सामने वो लोग ही आ रहे थे, हर बार मुझे वो ही दिख रहे थे, मेरे जाने का मन ही नहीं। जिस दिन मेरे को जाना था उस दिन फिर से मैं वो गांव में गया और फिर कारण उसने ढूंढने की कोशिश की तो उसको लगा कि जो भी पानी वो लोग पी रहे कुएं का पानी पी रहे थे, नहर का पानी पी रहे थे, तो उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है और उस फ्लोराइड की वजह से उनके हाथ पर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। फिर उसको लगा कि नहीं मुझे इनके इनके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। फिर उसने जो पानी पे प्रक्रिया करने की मशीनरी वहां पे ढूंढ के निकाली और फिर उन्होंने वो पूरा पानी जो है प्यूरिफाई करके लोगों को देना शुरू कर दिया। उसके लिए उसको अमेरिकन कंपनी से भी बहुत सारा फंड उनको मिला, बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला और आज वो राइट वाटर सॉल्यूशन के तहत बाकी बहुत सारे गांवों को ऐसे उनकी मशीनरीज दे रहे हैं। तो देखिए इंटरेस्ट एरिया क्या हो गया, ह्यूमन के जो भी प्रॉब्लम थे वो लोगों के जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करने के लिए उसने वो मशीनरी इंटरेस्ट की वो ढूंढ के निकाली, उसके ऊपर उन्होंने संशोधन किया। ये हमारा इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए। कोई भी सोशल इश्यू है, कोई भी इकोनॉमिकल इश्यू है, कोई भी ह्यूमन से रिलेटेड इश्यू है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारा इंटरेस्ट वहां पे डेवलप होता है तो रिसर्चर का इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम ये लिखना हमारा वहां पे जायज है। हम लोग कुछ भी अगर उसमें लिख डालेंगे तो हमारा थीसिस एट द मार्क नहीं होगा। यहां तक के समझ में आ गया सबको, मैं जो बताना चाहती हूँ आपके समझ में आ गया? यस यस नवघरे थैंक यू। चलो कोई तो भी है नहीं वहां पे ऑनलाइन में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे समझता ही नहीं लोगों को समझा है कि नहीं समझा है। मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ तो ठीक है आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम यानी क्या है, अरे ये ऐसे हो गया क्या, एक मिनट इसको मैं स्लाइड शो में जाती हूँ। प्रॉब्लम, वन ऑफ द की स्टेप इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग अ गुड एंड प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम इज टू फॉर्मुलेट एंड शॉर्टलिस्ट द प्रॉब्लम। फॉर दिस कन्वर्ट यूर इनोवेटिव आइडिया इन टू रिसर्च प्रॉब्लम बाई डिस्कसिंग इट विथ यूर सुपरवाइजर और पीयर्स। जैसे मैंने अभी बात करी अभिजीत गान का, मैंने बताया बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे मेरे पास स्टोरीज है आपको बताने के लिए कि अपना टाइम भी उतना चला जाएगा, 5 बजे तक का टाइम है, बहुत सारा आपको बताना है। एक पे एक स्टोरी बताती हूँ, हमारे एलआईटी के जो लेक्चरर है उनकी, उन्होंने वो पेंट उनके घर में उनके पिताजी पेंटिंग का काम करते थे बचपन में, उन्होंने पेंट देखा है उनके साथ में, उन्होंने भी बहुत ज्यादा पेंटिंग का काम किया है। बहुत गरीब घर से थे और हंसापुरी आपको मालूम होगा नागपुर का एक बहुत ऐसा थोड़ा सा ऐसा बैकवर्ड एरिया है, वहां पे वो रहते थे। लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे इसलिए पढ़ते गए एलआईटी में उनको एडमिशन भी मिली। उनको एलआईसी में ऑयल में एडमिशन लेना था, एलआईटी में ऑयल में एडमिशन लेना था, लेकिन उनकी देखिए जहां भी अपनी किस्मत होती है वैसे ही अपना होता है, वैसे उनको पेंट में एडमिशन मिल गई। उनको जाना नहीं था पेंट में क्योंकि बचपन से उन्होंने पेंट देखा था,
लेकिन वहां पे गए, उन्होंने वहां पे कंप्लीट करी अपनी डिग्री, बीटेक कंप्लीट करा, एमटेक कंप्लीट करा, और फिर उनको लेक्चरर करके वो एलआईटी में ही लगे। 20-22 साल, 25 साल तक वहां पे नौकरी भी की अच्छे से, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर तक बहाने उनकी वहां पे प्रमोशन होते गए। और जब रिटायरमेंट के लिए चार चार साल बचे थे, उन्होंने देखिए पूरे अपने जो भी करियर था वो करियर में उन्होंने पेंट पे ही काम किया था। तो एक बार वो बोल रहे, उनका एक कहना है ऐसा है कि मैं जब गीता का पठन करते थे, तो गीता पठन करते करते उन्होंने उनको एक श्लोक वहां पे दिखा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वो श्लोक सुनकर उनको लगा, वो पढ़कर उनको लगा कि भैया ऐसा भी पेंट होना चाहिए जो आग से कभी उसको कभी आग नहीं लगेंगी, वो पानी से कभी धुलेगा नहीं, और धूप अगर उसके उसके ऊपर गिरती है तो उसका रंग कभी जाएगा नहीं। ऐसा पेंट ढूंढ के निकालना ये अभी मेरा कर्तव्य है। और उन्होंने 1000 डिग्री पे भी जो जलता नहीं है ऐसा पेंट वहां पे ढूंढ के निकाला, जिसका रंग जाता नहीं है, जिसके पानी जिसके ऊपर पानी का असर नहीं होता है। रिटायरमेंट के लिए 4 साल बाकी थे उनके, वो उन्होंने लैब में उसके उन्होंने पूरा उसके एक्सपेरिमेंट करे, पूरा अपना जीवन उसके ऊपर डाल दिया। और जब उनको लगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट ये हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, तब उन्होंने पूरे दुनिया के सामने अपना ये रिसर्च लाया है। तो उन्होंने प्रॉब्लम क्या ढूंढ के निकाला कि जो हम लोग पेंट लगाते हैं, जैसे एरोप्लेन को पेंट लगाते हैं या बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज को पेंट लगाते हैं, तो आग लगने की जो ये है संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें जीवित हानि भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर मैं ऐसा पेंट निकालूंगा ढूंढ के, तो बहुत ज्यादा ज्यादा लोगों को वहां पे बेनिफिट हो सकता है। आज उनकी हिंगना में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और उन्होंने पूरा अपना जो कमाया हुआ पैसा था नौकरी में, जो जितना भी उनको मिला पूरा पैसा उन्होंने फैक्ट्री में लगा दिया, और पूरी फैक्ट्री वो चला रहे हैं अभी। तो हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में बहुत बार गलती करते हैं। तो प्रॉब्लम जो है, रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जहां से सोशल कुछ बेनिफिट हो या कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट वहां पे हो। तो इनोवेटिव आइडिया ढूंढ के निकालना और उसके ऊपर एक उसको शॉर्टलिस्ट करके उसको प्रॉब्लम फ्रेमिंग करना, ये बहुत जरूरी है। अब आपका तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग हो गया है और आपका टाइटल फ्रेमिंग भी हो गया, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ ये आप छोटे छोटे रिसर्च करते रहिए, और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा वहां पे कुछ मिल सकता है। तो देखिए टाइटल कैसे होना चाहिए। अ रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी स्टेटेड इन अ क्लियर एंड कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस। एक मिनट, उसको हाँ, इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, जितने कम शब्दों में आपको देना है टाइटल उसको आप फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए टाइटल फॉर्मेशन देखते हैं। आपको कौन सा फोटो दिख रहा है? माधुरी दिख रही है मैम, माधुरी माधुरी दीक्षित दिख रही है, और बाजू में क्या लिखा है? डॉक्टर मेधा डॉक्टर मेधा कानिटकर। हाँ, तो अगर मैं अपने नाम के सामने माधुरी दीक्षित का फोटो लगाऊंगी तो आप लोग तो ऐसे ही पहचान पहचान जाओगे, है ना? बराबर पहचाना ना आपने? हाँ, तो आपका टाइटल और आप जो थेसिस दे रहे वो थेसिस का अंदर का मैटर अगर मैच नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे अभी हुआ है, इसलिए जो रियलिटी है वो रियलिटी आपके टाइटल से रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? कुछ तो भी अजम्पशन, कुछ तो भी फैंटेस्टिक आइडिया या काल्पनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी उसमें होना, यानी हमारा रिसर्च पूरा फेल्यूअर होना है। अगर मैं मेधा कानिटकर बोल रही हूँ तो मेधा कानिटकर का फोटो वहां पे होना जरूरी है। वहां पे माधुरी दीक्षित का फोटो आएगा तो सब लोग पहचान जाएंगे कि ये हमको बना रहा है ना? तो इसलिए इंस्पिरेशन, शेयरिंग एंड एक्सेलेंस, ये तीन शब्द जो है ये टाइटल फ्रेमिंग में होना जरूरी है। कि एक इंस्पिरेशन होना चाहिए टाइटल में, उसमें शेयरिंग भी होना चाहिए कि हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं, हमारी इनोवेटिव आइडिया हम लोग शेयर कर रहे हैं,
और वो एकदम एक्सेलेंट होना जरूरी है। तो अगर ये ऐसे तीन शब्द या तीन जो मेजर चेंजेज चीजें हैं अगर ये हमारे टाइटल में होती है तो हमारी जो रिसर्च की जर्नी है बहुत ज्यादा अच्छी होगी, हैप्पीली हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इजीली हम लोग उसको कंप्लीट कर सकेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ टाइटल देखते हैं, ये आपको आपके ऑनलाइन एग्जाम में आने वाला है तो आप लिख के रखिए। द टाइटल समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ द स्टडी, इट मस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। अब रोल ऑफ टाइटल क्या होता है, द टाइटल रोल इन द रिसर्च टू परफॉर्मिंग मेन आइडिया ऑफ द रिसर्चर, इट इज द परफॉर्मेंस पार्ट दैट गिव्स द रियल सेंस टू योर रिसर्च वर्क, द कैरेक्टर ऑफ टाइटल इज नॉट फिक्शनल, इट शुड बी द रियल एंड यूजफुल इन दिस लिविंग वर्ल्ड। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि वो फिक्शनल नहीं होना चाहिए, वो आइडियल कुछ तो भी आइडिया लेके उसके ऊपर काम कर रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है यूजफुल होना चाहिए, रियल होना चाहिए और हम जो जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को वो रिलेवेंट होना चाहिए। सो ग्रामर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब मैं यहाँ पे आपको एक बताने वाली हूँ कि एक मैं सेंटेंस वहां पे लिखा है कि ए वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, कुछ भी पंक्चुएट नहीं किया है, उसको पंक्चुएट करके दिखाइए मेरे को। आप चैटिंग में भी डाल सकते हो, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। कैसे पंक्चुएट करेंगे, मैम देयर इज अ कॉमा आफ्टर अ वुमन कॉमा विदाउट हर मैन कॉमा इज नथिंग फुल स्टॉप। ओके, अ वुमन कॉमा विदाउट हर मैन कॉमा इज नथिंग, ठीक है, फुल स्टॉप। यस फुल स्टॉप। हाँ, आपका मतलब ये होता है कि वुमन उसके हस्बैंड के सिवा या उसके साथ जो भी आदमी है उसके सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, ऑल बॉयज ने लिखा है वुमन विदाउट हर मैन नो मैन सेमीकोलन इज नथिंग विदाउट हर मैन अ वुमन देयर कैन बी टू मीनिंग्स हियर, वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, या देयर कैन बी टू मीनिंग्स, है ना। तो हम क्या पंक्चुएट करते हैं हमारे टाइटल में, हम कैसे पंक्चुएट करते हैं, कहाँ पे कॉमा देते हैं, कहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, कहाँ पे हम फुल स्टॉप देते हैं, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है उसका मीनिंग निकलने में। आई बात समझ में सबके? हाँ मैम। तो इसलिए ग्रामर के ऊपर ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। सो इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट, इट इज लाइक अ होम और मेन एंट्रेंस। जैसे हमारे मेन एंट्रेंस को हम लोग सजाते हैं ना, घर के दरवाजे को, सो हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर कौन रहता है। शेर के गुफा को हमने बाहर से देख के हमको पता चलता है कि ये शेर की गुफा है, बताने की जरूरत नहीं है कि अंदर क्या है। हमारा टाइटल पूरा रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ कि अभी आजकल जो रिसर्च प्रपोजल आते हैं तो यूजीसी के भी कमिटीज पे मैं रहती हूँ, यूनिवर्सिटीज के भी कमिटीज पे रहती हूँ, आरआरसी को फेस करती हूँ। आपको शायद पता होगा, मैडम थोड़ा सा भूल गई बताने के लिए कि कॉमर्स बोर्ड का भी चेयरपर्सन का काम भी नॉमिनेशन भी मुझे दिया गया है। तो थोड़ा सा जब मैं कमिटी के ऊपर बैठती हूँ तो टाइटल से पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो और ये प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। तो टाइटल जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मैटर है पूरे थेसिस में या पूरे रिसर्च में। अगर आपका टाइटल फ्रेमिंग अच्छे से हो गया, आपको वेरिएबल्स मिल गए, आपको मालूम है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये टाइटल आपको अच्छी तरह से आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट करके देगा। टाइटल में ही अगर गड़बड़ कर दिए, टाइटल में ही अगर लोचे है आपके, तो आपका रिसर्च कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए टाइटल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा, यानी जब आपका प्रॉब्लम आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको टाइटल जो है फ्रेम करने के लिए किसी के पास बैठना जरूरी है या फिर उसके ऊपर बहुत बार चर्चा करना जरूरी है।
कि भाई मैं ये टाइटल ले रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे काम करना है। बहुत सारे लोगों से चर्चा करिए, एक अच्छा सा टाइटल निकल आएगा। शीर्षक जिसको हम लोग बोलते हैं, शीर्षक कि कोई भी पिक्चर का भी टाइटल देख लीजिए, पिक्चर का भी अगर टाइटल देख के हम लोग वहां पे जाने की कोशिश करें, हाँ चेन्नई एक्सप्रेस बोला तो हाँ अपने को अच्छा लगता है, अरे वाह चलो ये पिक्चर जाके देखते हैं, अंदर क्या है वहां जाके मारे पीटी देखेंगे या और कुछ देखेंगे पता नहीं अपने को, लेकिन उसका टाइटल अगर अट्रैक्टिव होगा तो हम लोग वहां तक जाएंगे। कोई भी किताब हम लोग कब पढ़ते हैं, जब उसका टाइटल हमको अट्रैक्टिव लगता है ना। वैसे ही हमारा थीसिस का टाइटल अगर अच्छा होगा और उसमें वहां पे हमको जो भी वेरिएबल्स चाहिए जिसके ऊपर हमको काम करना है वो हम वहां पे अगर देते हैं तो एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक गाइडलाइन मिल जाती है और हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से हमारा रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। सो फाउंडेशन ऑफ फॉर रिसर्च डिजाइन, अभी रिसर्च डिजाइन या रिसर्च बिल्डिंग आपको बताने वाली हूँ, तो उसके लिए टाइटल ये एक फाउंडेशन होता है। टाइटल से हम लोग हमारा रिसर्च का डिजाइन कर सकते हैं कि हम क्या वहाँ पे, जैसे प्लॉट होता है, प्लॉट के ऊपर हम लोग देखते कि हाँ किस तरह से हमारा हमारी पूरी बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी होगी, उस तरह से ही हमारा टाइटल के हिसाब से हम लोग रिसर्च फाउंडेशन या रिसर्च डिजाइन करते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर कंक्लूजन्स, जो भी कंक्लूजन्स हाइपोथीसिस हम लोग वहां पे लेंगे उसका बेस जो होता है वो टाइटल ही होता है। एक डीएनए जैसा है, इज अ डीएनए और रिसर्च, उसकी एक वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी प्रपोजल आपका सैंक्शन करना है या नहीं करना है ये टाइटल देख के ही सब लोग करते हैं। सो वैल्यूएशन प्रपोजल के लिए भी या प्रोसीजर के लिए भी टाइटल बहुत ज्यादा वहां पे मायने रखता है। सपोर्टिव फैक्टर्स क्या होने चाहिए फॉर्मुलेशन के, देखिए बहुत बार एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो हमारे टाइटल में होने चाहिए। राइज इन द फॉर्मेलिटीज, बहुत बार कंपनीज में फॉर्मेलिटीज है या कुछ सोसाइटी में फॉर्मेलिटीज में चेंजेस होते हैं, कल्चरल चेंजेस होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द साइंस ये भी है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट उनसे भी हम लोग कुछ सपोर्टिव फैक्टर्स ले सकते हैं रिसर्च टाइटल फॉर्मुलेशन के लिए। सो डूज एंड डोंट ऑफ टाइटल फॉर्मेशन, डोंट टेक एनी फिक्शनल वर्ड, जैसे मैंने पहले बताया उसमें हेवन हेल पैराडाइज जैसे शब्द हमारे टाइटल में नहीं होना चाहिए। डोंट टेक एनी फॉल्स आर सुपरफिशियल आइडिया, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट परफेक्ट, अभी मैं कॉमर्स की हूँ तो मैंने कॉमर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट कभी हो ही नहीं सकता, ये हम लोग बोलते कि एक सुपरफिशियल आइडिया है, क्योंकि हमने सभी को काम देने का एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश भी करी तो भी कुछ लोग ऐसे होते कि जिनको काम करना ही नहीं है, एलिजिबल होते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काम करना ही नहीं है, इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ बोला बोला मोनिका, फिक्स्ड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कभी फिक्स्ड नहीं हो सकते, या ऐसे सारे फिक्शनल या सुपरविजल फॉल्स आइडिया इस्तेमाल नहीं करना है। डोंट टेक टू शॉर्ट और टू लॉन्ग टाइटल, जैसे टू शॉर्ट टाइटल हो गया इंडियन पॉलिटिक्स, इससे हमको पता ही नहीं चलता कि इनको क्या काम करना है। टू लॉन्ग इंडियन पॉलिटिक्स, अ स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इक्विबिलियम नॉन इक्विबिलियम ऑफ हेट्रोजेनियस रीजनल फैक्टर्स ऑन द नेशनल पॉलिसीज ड्यूरिंग 2005 to 2015, ये एक टाइटल मैंने ऐसा लाया है जो जिसके ऊपर काम हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा टाइटल अगर आप लेंगे तो आपको ही याद रखते रखते बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तो इसलिए ये ऐसे बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा छोटे टाइटल नहीं होने चाहिए। डोंट यूज एनी एब्रिविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसी भी टाइटल में नहीं होना चाहिए, अगर लिए है आपने तो उसको बदल डालिए। यूज वर्ड्स दैट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्टिमुलेट रीडर्स इंटरेस्ट, यूज करंट नोमेनक्लेचर फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे आपका स्टडी एरिया अगर नागपुर है या फिर मद्रास या चेन्नई लिया, मद्रास लिया है तो उसको चेन्नई, आपको अभी मालूम है कि चेन्नई हुआ है इसका नोमेनक्लेचर, या जैसे वीटी है तो वीटी का नोमेनक्लेचर अभी बदल गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, जो नए नोमेनक्लेचर है जो करंट है वो आपको लेने।
आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ. सजेस्ट अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड सपोर्ट द मेजर हाइपोथेसिस. आपके जो मेजर वेरिएबल्स रहेंगे या मेजर हाइपोथेसिस रहेंगे उसको आपका जो सपोर्ट हो रहा है या उसका रिलेशन क्या है, आप क्या कौन सा क्या रिलेशन बता रहे हैं उसमें, वो भी टाइटल में होना जरूरी है. मे रिवील हाउ द स्टडी विल बी ऑर्गेनाइज्ड. आप कैसे एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, क्रिटिकल स्टडी कर रहे हैं या फिर कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, सब उसमें होना जरूरी है. यूज करेक्ट ग्रामर एंड कैपिटलाइजेशन विथ फर्स्ट एंड लास्ट ऑल नाउन्स प्रोनाउंस वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. ये तो आपको आपके गाइड ने बताया होगा शायद, ठीक है. अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. यहाँ तक की पता चला, सबको समझ में आ गया? यस मैम. हाँ यस मैम. बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं. नो मैम. चलो फिर अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी पे जाते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस टाइटल फॉर्मेशन के बाद सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज डिटेल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स में तीन क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. हम देखते हैं कि क्या है रिसर्च ऑब्जेक्ट्स. रिफ्लेक्ट द क्वेश्चन हूज आंसर इज आंसर द इन्वेस्टिगेटर वांट्स ऑफ द स्टेटमेंट फॉर अ क्वेश्चन सर्व एज द पिवट in the conduct of a research project and interpretation of results. The characteristics of good research objectives are, it should be clearly stated without any ambiguity in measurable terms and do not involve any kind of judgment. Hamare objective mein pehle se hi humko judgment nahi dena hai, usko hum log measure kar sakenge, aisa objective hona chahiye and ekdam clear hona chahiye. Theek hai, is it clear? Yes, so objective कैसा होना चाहिए? Clear, concise, declarative statement which provide direction to investigate the variables. ये एक line जो है आप लिख के रखिए, ये online exam के इसमें MCQ में आ सकते हैं. Writing research objective is a clear, concise, declarative statement which provides direction to investigate the variables. So generally research objective focus on the way to measure the variables such as to identify and describe them. Research objectives are the result sought by the researcher at the end of the research process. That is what the researcher will be able to achieve at the end of the research study. Hum hamare study mein आखिरी में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है. देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेवेंट, फिजिबल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेबल, क्लियर एंड मेजरेबल. अब देखिए रिलेवेंट होना जरूरी है. जैसे हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को लेकर हमने वहां पे पर्पज लिखा है, कहाँ पे, प्रीएम्बल में. वही पर्पज को लेके हमने यहाँ फिजिकल होना चाहिए. हमें जिस हम लोग बोलेंगे कि जिसका डेटा जो है, एक्चुअल डेटा जो है हमको मिलना चाहिए या मिलने की संभावना होनी चाहिए. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि अगर किसी ने हमारे अभी आया था, अभी आरआरसी में मैंने उसको रिजेक्ट करके दिया है, आरआरसी में उसने दिया है कि मराठी में था, मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींमुळे भंडारा जिल्ह्याच्या आर्थिक क्षमतेवर झालेला परिणाम. मैंने उसको बोला कि अगर भैया बाकी ठीक है, वो बोले कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैडम, भंडारा जिला में बहुत ज्यादा लोग दारू पीते हैं और उससे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह. और उसका बोलना था कि जो सरकारी योजना है, गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट पैसा देती है लोगों को, इसलिए लोग दारू पी रहे. मैंने बोला कि तू जाके अगर किसी को पूछेगा कि भैया तू दारू पीता है क्या, तो कौन हाँ बोलेगा? कोई बताएगा मैं दारू पीता हूँ करके? अपने आप बताएगा? सभी लोग छुपाते हैं, क्योंकि हम लोग दारू पीना हम लोग गलत बात समझते हैं. हमारे भारत में आज तक तो भी दारू पीना यानी एक बुरी प्रथा माना जाता है या बुरी बात माना जाता है, और कोई भी अच्छा आदमी हमें दारू पीता हूँ ऐसे करके वहां पे उसको बताएगा नहीं.
फिर डेटा कलेक्शन कैसे होगा? टाइटल में उसने बताया कि मद्यपि लोकांमुळे आर्थिक नुकसान होता है भंडारा जिल्ह्याचं, मग मद्यपि आहे का नाही आहे हे कसं कळेल? त्याला विचारल्याशिवाय तुला माहिती मिळेल का? कळतंय? इसीलिए फिजिबिलिटी रिसर्च में, फिजिबिलिटी ये बहुत जरूरी और बहुत ही क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट ऐसी चीज है। हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उसका डेटा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या मुलांच्या आयांच्या मुलांचा प्रॉब्लेम एका मुलीने घेतला होता। मी म्हटलं तू जाऊस कशी शकशील त्या एरियामध्ये, तुला कसा डेटा मिळणार आहे, कोण सांगणार आहे तुला की बाबा माझा माझ्या मुलांचं असं झालेलं आहे? म्हणजे एक आयडियल असं काहीतरी असतं, डोक्यामध्ये वेगळ्याच आयडिया असतात, आणि त्याचा जर डेटा नाही मिळाला तर पूर्ण तुमचे 5 वर्ष वाया जातात। म्हणून ज्या वेळेला आपण रिसर्च प्रोजेक्ट घेतो, रिसर्च प्रॉब्लेम घेतो, त्यावेळेला त्याची फिजिबिलिटी चेक करणं हा खूप महत्वाचा पार्ट। या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग वहां पे ले रहे, टाइटल से ही हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। टाइटल के बाहर का कुछ भी हम लोग नहीं लेने वाले, इसलिए टाइटल अगर फिजिबल है तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी फिजिबल होते हैं और लॉजिकल होने चाहिए। उसमें एक कुछ तो भी हम लोग लॉजिकल टेस्ट वहां पे लगा सकेंगे, ऐसी वहां पे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल। हाँ, नहीं डेटा कलेक्शन हो रहा है क्या, ठीक है, हम लोग जाके अगर पूछेंगे तो अगर डेटा नहीं मिल रहा है क्या, ठीक है, ओके। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जहाँ उसका ऑब्जर्वेशन से ही हमको या रिजल्ट डेटा कलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। साइंस में है या फार्मेसी में है, बहुत बार ऐसे होता है कि आप लोग वहां पे कोई एक सैंपल लेते हैं, वो सैंपल के ऊपर कुछ प्रयोग करते रहते हैं और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो आपके रिजल्ट्स वहां पे ऑब्जर्व करते हैं आप, तो ये ऑब्जर्वेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, वो भी ठीक है, लेकिन वो मेजरेबल या उसको मेजर हम लोग कर सकेंगे ऐसे होना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव इज अ पर्पज दैट कैन बी रीजनेबली अचीव्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेस। जो भी हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल है रिसर्च के लिए उससे वो हम लोग अचीव कर सकेंगे, ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अभी आगे निकलते हैं, चला थोड़े से समोर जाऊ। द ऑब्जेक्टिव समराइजेस व्हाट इज टू बी अचीव्ड बाय द स्टडी। द रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द स्पेसिफिक अकम्प्लिशमेंट द रिसर्चर्स होप्स टू अचीव बाय द स्टडी। द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड obtaining answers to research questions or testing the research hypothesis. जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे है उसके जो टेस्ट हम लोग लगाएंगे या उससे, देखिए टाइटल से हमने पहले प्रॉब्लम ढूंढ के निकाला, वो प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके उसको टाइटल फ्रेमिंग किया। टाइटल से हमने ऑब्जेक्टिव्स निकाले क्योंकि हमारा पर्पस हमें पता था कि हम ये पर्पस से कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर से हमने ऑब्जेक्टिव्स निकाले। अब ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर से हम हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। इतना इजी, इतना सिंपल हम लोग रिसर्च अगर वहां पे प्रोसेस करेंगे तो ही हम लोग रिसर्च कंप्लीट कर सकेंगे। तो प्रोसेस क्या है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर टाइटल फ्रेमिंग करना। टाइटल में सब वहां पे वेरिएबल्स जो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें टाइटल में रिफ्लेक्ट होंगे। फिर वो वेरिएबल्स को लेके हम लोग वहां पे उसको बाइफर्गेशन करेंगे, इसके ऊपर से ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव में से हाइपोथेसिस निकलेंगे। ये प्रोसेस है हमारे रिसर्च की। अब ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, ये लिख के रखिए या फोटो निकाल के रखिए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बोर्ड गोल होता है जो भी अचीव करना है हमको, एक बहुत बड़ा वाला एक गोल होता है कि जो हमको अचीव करना है, इसको हम लोग एम भी बहुत बार कहते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी स्टेट व्हाट द रिसर्चर एक्सपेक्ट्स टू अचीव बाय द स्टडी, उसको एम भी कह सकते हैं। अब लिखते समय बहुत बार आप लोग प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना, जो भी मैं अभी बता रही हूँ आपके प्रेजेंटेशन कॉमर्स के जितने भी है उनके मैं ही देखने वाली हूँ प्रेजेंटेशन, तो मैंने जो भी आपको बताया है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। हम लोग क्या करते हैं, एम जो लिखते हैं ना, एम को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस लगाते हैं एम्स को, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए एक एक साथ आप बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं हो, एक साथ आप 4-5 लक्ष्य भेदेंगे, आपको एक बार एक ही लक्ष्य भेदना है रिसर्च में, तो आप
आपको एम लिखना है, सिर्फ एम, जो भी एक जनरल ऑब्जेक्टिव आपका होगा वो आपका एम हो जाएगा, और बाकी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आपको आप वो यानी वेरिएबल्स को तोड़ तोड़ के आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जनरल टर्म में जो एक हम लोग ऑब्जेक्टिव लिख रहे उसको जनरल ऑब्जेक्टिव या एम कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन में मुझे एम्स अगर दिखा तो मैं सोचूंगी कि आपने मेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं देखा है। एम्स नहीं लिखना है, सिर्फ एम लिखना है, क्योंकि रिसर्च में एक ही एम होता है और एक ही जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली लेस इन नंबर, जनरली वन, एक या दो ही वहां पे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म एंड नैरो इन फोकस, एक छोटे छोटे वहां पे एक एक वेरिएबल लेके हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैन ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकली कनेक्टेड पार्ट टू फॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमारा जो एक जनरल ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर बनाया है या एम बनाया है, एम को ही हम लोग छोटे छोटे पार्ट में अगर वहां पे कन्वर्ट करते हैं तो उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब देखिए, हमने प्रेजेंटेशन में जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखना नहीं है, ये आपके स्टडी के लिए है, नहीं तो आप प्रेजेंटेशन में लिख डालेंगे कि ये मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ये मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर वहां पे वैल्यूअर क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर वहां पे आप रुक जाते हैं, क्योंकि अभी तो एग्जाम में आपको पता चलता है, पता है, आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो आपको पता है, आप आंसर भी लिख डालेंगे, लेकिन थेसिस आप सबमिट करेंगे उसके शायद डेढ़ या दो साल के बाद आपका वाइवा लगेगा, फाइनल जो वाइवा लगेगा डेढ़ या दो साल की प्रोसीजर है कंप्लीट, दो साल के बाद, पहले तो आपने पूरा तीन साल काम किया, उसके बाद आपने किया, उसके बाद दो साल के बाद आपका वाइवा लगा, यानी पांच साल निकल गए, और फिर आपको अगर पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या बताएंगे, बता पाएंगे नहीं ना, इसलिए जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव समझने के लिए है, ये लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप एम एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर लिखेंगे तो एम एक एम लिख देना ऊपर और नीचे ऑब्जेक्टिव्स लिख के उसके ऊपर एक के बाद एक आठ दस जितने भी आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स वो लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा होना जरूरी है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स है वो पूरे के पूरे वहां पे कवर होते हैं, सात आठ या दस तक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, बहुत बार चार पांच लेके लोग छोड़ देते हैं, ऐसे मत करना। ऑब्जेक्टिव जितने ज्यादा होंगे उतनी आपकी स्टडी बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगी, बहुत ज्यादा एक उसके ऊपर डेटा आप अच्छे से कलेक्ट कर सकेंगे। सो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इन नंबर एंड दे सिस्टमैटिकली एड्रेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम एज डिफाइंड अंडर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड की फैक्टर दैट इज अज्यूम्ड इन इन अज्यूम्ड टू इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस और कॉजेस द प्रॉब्लम। They should specify what the researcher will do in the study, where and for what purpose. ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. Methods of setting objectives. अब क्या methods है? The objective should be presented briefly and concisely. अभी बताया मैंने. They should be cover the different aspects of the problem and its contributing factors. In coherent way and in a logical sequence. The objectives should clearly phrased in operational terms, specifying exactly what a researcher is going to do, where and for what purpose. Objective में आप क्या करने वाले हो, कहाँ करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये सब उसमें आना जरूरी है। ठीक है, कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, ठीक है, यहाँ पे थे ना हम लोग। मेथड्स ऑफ स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दे शुड बी रियलिस्टिक कंसिडरिंग लॉजिकल कंडीशंस इन ऑब्जेक्टिव, यूज ऑफ एक्शन वर्ब यानी नीचे मैंने देखे दिए है कि टू एक्सेस, to identify, to find out, to determine, to compare, to find, to verify, to calculate,
टू डिस्क्राइब टू एनालाइज टू एस्टैब्लिश ऐसे शब्द वहां पे होने चाहिए. दैट शुड इनफ टू बी इवैल्यूएटेड. उसका हमको इवैल्यूएशन करना है, उसके ऊपर डेटा निकालना है, डेटा इंटरप्रेट करना है और उस डेटा को हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा सकेंगे. ऐसा डेटा न्यूमेरिकल डेटा हमको वहां पे फाइंड आउट करना है. इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को एक्शन वर्ब देना जरूरी है. ठीक है, यहाँ अपने ऑब्जेक्टिव्स और टाइटल फॉर्मेशन हो गए कंप्लीट. मैम हेलो मैम. हाँ बोलो. डेफिनेशन ऑफ टाइटल ची स्लाइड परत दाखवलो मतलब. हेलो टाइटल ची डेफिनेशन मैम. टाइटल पेजेस टाइटल ऑब्जेक्टिव्स. ओके आले मैम थैंक यू. चला मग आता आपण हे आपलं झालं एक पार्ट कंप्लीट. मॅडम एक क्वेश्चन असा होता की तुम्ही जसं म्हटलंय की एम लिहायला पाहिजे नंतर मग त्याचे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तर आपलं जे टायटल आहे तेच आपलं एम असू शकत ना. हो म्हणजे पण त्याला आपल्याला म्हणजे जसं तुम्ही तिथे टायटल मध्ये लिहिलं असेल टू स्टडी सम किंवा टू अनालाइज अनालिटिकल स्टडी कंपॅरेटिव्ह स्टडी असं लिहिलं असेल ना तुम्ही टायटल मध्ये. येस तर ऑब्जेक्टिव्ह लिहित असताना किंवा एम लिहित असताना तसं नाही लिहायचंय. अच्छा हा अनालिटिकल स्टडी म्हणजे असं नाही किंवा टू अनालाइज द युअर प्रॉब्लेम असं त्या ठिकाणी लिहिता येईल. टू अनालाइज टू पासून सुरू होईल. टू पासून स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्ह. हा टू पासून सुरू होईल ऑब्जेक्टिव्ह आणि एम कुठलं पण टू पासून सुरू होईल. म्हणून सांगितलं ना ऍक्शन वर्क कुठलं पण घ्या टू एक्सेस टू आयडेंटिफाय टू फाइंड आउट असं त्याच्यामध्ये येईल. म्हणजे तुमचं जर अनालिटिकल स्टडी असेल तर टू असेस असं येईल. हा तुमचं कम्पेरेटिव्ह स्टडी असेल तर टू कम्पेअर असं येईल. ओके हा तुमचा एक्सलोरेटेड स्टडी असेल तर टू फाइंड आउट असं येईल. तर ते स्टडीनुसार तुम्ही काय लिहिलेलं आहे टायटल मध्ये त्याच्यानुसार तुमचं ऍक्शन वर्ब पण येईल. बरेचदा तुम्हाला टायटल मध्ये तुम्ही नुसतं स्टडी लिहिता टू स्टडी असं, तर मग इथे तुम्हाला टू व्हेरीफाय टू कॅल्क्युलेट टू अनालाइज असं काही पण येईल. ओके टू अंडरस्टँड असं टाकता येईल. थँक्यू. अजून हा हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहेत कारण हे सांगत नाहीत कोणी आणि कुठल्या पुस्तकात पण लिहिलं नसतं हे. येस नाही आम्ही ऑब्जेक्टिव्ह फॉर्म केले एम नव्हतं केलं म्हणून मला जरा एक डाऊट होता म्हणून विचारलं. पण मग असं आवश्यक नाहीये की एम केलंच पाहिजे. ओके पण केलं असेल तर फक्त एमच लिहायचं एकच लिहायचं आणि एम असं लिहायचं एम्स नाही लिहायचं. ओके ओके येस ठीक आहे. ओके थँक्यू मॅम. आता आपण घेऊ हायपोथेसिस फॉर्मेशन. दिसतंय सगळ्यांना? येस येस मॅम. येस मॅम. आपण पहिले ऑब्जेक्टिव्ह सांगा आपण काय काय स्टेपनी गेलो. पहिल्यांदा प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेशन केलं, नंतर त्या प्रॉब्लेमला एका स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट केलं. ठीक आहे, त्याला आपण टायटल असं म्हटलं. मग त्या टायटल वरनच आपण आपले ऑब्जेक्टिव्ह घेतले. ठीक आहे, आता या ऑब्जेक्टिव्ह वरनच आपल्याला हायपोथेसिस घ्यायचे. हा रिसर्च हायपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन अँड हायपोथेसिस यालाच बरेचदा रिसर्च क्वेश्चन म्हणतात, यालाच सायन्स मध्ये अझम्पशन म्हणतात, यालाच बरेचदा तुमचे ज्या ठिकाणी हे केले जातात प्रॉब्लेम अनालिसिस असंही म्हणतात. म्हणजे कुठे बिझनेस किंवा एखाद्या क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये बरेचदा ते त्या ठिकाणी स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस मध्ये पण त्या ठिकाणी नल हायपोथिसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिस घेऊन रिसर्च केले जातात.
पण आपल्याला आपल्या रिसर्च मध्ये हायपोथिसिस असा शब्द वापरायचा आहे. आता बरेचदा हायपोथिसिस हा एकापेक्षा जास्त असतात, एकच हायपोथिसिस नाही राहत, म्हणून हायपोथिसिस हा सिंग्युलर शब्द आहे. आणि जेव्हा एकापेक्षा जास्त असतात तर ते हायपोथेसिस असं होईल, एस ई एस होईल. काही लक्षात सगळ्यांच्या? त्याच्यामुळे प्रेझेंटेशनच्या स्लाइडमध्ये जर आपले हायपोथेसिस एकापेक्षा जास्त असतील तर ते हायपोथेसिस असं लिहायचे आहे. ओके, चला आणखी जसं जसं मला त्या त्या वेळेला समजेल सुचेल तसं तसं मी सांगणार आहे. सो हायपोथेसिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द सायंटिफिक रिसर्च. हाऊ वेअर वी मे नॉट यूज हायपोथेसिस फॉर ऑल टाईप ऑफ रिसर्च जसं मी आता सांगितलं, बट इन क्वालिटेटिव्ह स्टडी इट इज इसेन्शियल. म्हणजे कुठला पण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आपण करणार असू आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्चला क्वांटमध्ये बदलवून आपण त्याचे जेव्हा स्टॅटिस्टिकल रिझल्ट काढणार असू तेव्हा आपल्याला हायपोथेसिस घेणं हे आवश्यक आहे. आता हायपोथेसिस म्हणजे काय याची एक संकल्पना समजून घ्या. बऱ्याच लोकांना जर रिसर्च मेथोडॉलॉजी नसेल पीजीला किंवा असले तरी आपण त्यावेळेला फक्त तेवढ्या वेळेपुरती अभ्यास करतो आणि हायपोथेसिसची संकल्पना समजूनच नाही घेत. त्याच्यामुळे आपण एक अझम्पशन करू की सगळ्यांनी आता हे जसं आपण तुम्ही कोर्स वर्क करत आहे किंवा एक काहीतरी तुमच्या मनात असतं की आपल्याला हे असं करायचं आहे आणि म्हणून तुम्ही करताय. आता मला तुम्ही एकच गोष्ट सांगा की तुम्ही ही जी PhD करताय किंवा रिसर्च करताय ह्याचा उद्देश तुमच्या मनात काय आहे? हायपोथेसिस संकल्पना समजून सांगते मी तुम्हाला. कोणी पण एकाने अनम्यूट होऊन बोला. रिसर्च करण्यासाठी काय मनामध्ये तुमच्या होतं? कुछ प्रश्न आते हैं मन में जिनके सवाल हमको ढूंढने होते हैं. नहीं नहीं, मी काय विचारते है, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो? एकेडमिक डेवलपमेंट साठी मॅडम. एकेडमिक डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट का पर्पज काय आहे तुमचा? हॅलो, हा मॅडम, हा एकेडमिक डेव्हलपमेंटचा पर्पज काय आहे? सरळ सरळ पर्पजलेस काम नाही करत. पर्पजलेस ना काम कधी होतच नाही. सरळ सरळ त्याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला अकॅडमिक मध्ये यायचं आहे, लेक्चरर व्हायचं आहे आणि नेटसेटला और PhD सध्या तरी चालू आहे 2024 पर्यंत. मग आपलं जर पटपट PhD झालं तर आपण अकॅडमिक मध्ये येऊ शकतो, बरोबर? सध्या आम्ही तर आहे मॅडम जॉबला. हा, जे जॉबला आहेत त्यांना प्रमोशन पाहिजे. पाच पाच इन्क्रीमेंट घ्यायचे सातव्या वेतन आयोगातले, बरोबर आहे ना? विदाउट पर्पज हे असं होऊ शकत नाही की कोणी आपण रिसर्च करतच आपण विदाउट पर्पज करू शकत नाही. एक तर काहीतरी आपल्याला बेनिफिट असतो किंवा आपल्याला काहीतरी फंडिंग मिळालेले असतात तेव्हाच आपण रिसर्च करत असतो. ओके, तर मला सांगा की ह्या वेळेला जेव्हा आपण असं रिसर्चचं हे टाकलं त्यावेळेला मनात हे अझम्पशन आहे की मी रिसर्च केलं. तर तुमच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर मी रिसर्च केलं तर मला सातव्या वेतन आयोगातले पाच इन्क्रीमेंट मिळतील, बरोबर? आणि जे नाही आहेत आत्ता नोकरीमध्ये आणि जे अकॅडमिक पर्पज साठी करतात आहेत त्यांचा हेच उद्देश आहे की नेटसेटला और PhD असल्यामुळे उद्या जर जागा निघाली तर मी प्रयत्न करू शकतो जर माझा PhD लवकर कम्प्लीट झाला. ठीक आहे, हे अझूम करून आपण हे काम करायला सुरुवात करतो. मी काय बोलते, हे अझूम करून आपण हे काम करायला सुरुवात करतो. जेव्हा आपलं कम्प्लीट होईल PhD आणि हे पाच इन्क्रीमेंट मिळतील तेव्हा आपण केलेलं अझम्पशन हे एक्सेप्ट होईल. आणि जर त्यावेळेला असा आठव्या वेतन आयोगामध्ये किंवा आणखीन नवीन असा गव्हर्नमेंटचा असं होऊ नये, पण असा जर GR आला की ज्यांचं 2022 पर्यंत कम्प्लीट झालाय PhD त्यांनाच सातव्या वेतन आयोगातले पाच इन्क्रीमेंट द्यावे. आपण काम करायला सुरुवात केली, आपला PhD कम्प्लीट झालं आणि असा GR आला तर बरेचदा काय होईल, आपलं जे हायपोथेसिस जे अझम्पशन आपण घेतलंय ते रॉंग ठरेल. ज्या उद्देशाने आपण सुरू केलं होतं ते रॉंग ठरेल, बरोबर? म्हणजे केलेलं काम वाया गेलं का? नाही, काम झालेलं आहे, काम तिथेच आहे. आपलं अझम्पशन चुकीचं झालं, आपलं अझम्पशन चुकीचं झालं म्हणून हायपोथेसिस जर चुकला तर रिसर्च चुकला असं म्हटलं येईल का? नाही. हा, कळतंय मला काय म्हणायचंय?
आपण बरेचदा असा अट्टहास धरतो किंवा आपले गाईड सुद्धा असा अट्टहास धरतात की आपण जे घेतलेलं हायपोथिसिस आहे ते करेक्टच निघालं पाहिजे, असं नाही होऊ शकत. आता बरा बरेचदा अगदी साधं आणखीन एक उदाहरण देते मी तुम्हाला की आपण इथून आपल्याला जर मुंबईला जायचं आहे आणि नागपूरवरनं जर जायचं असेल तर जो भी हिंदी वाले उनको समझ में आ रहा है मैं बता रही जो बता रही हूँ क्योंकि मराठी में मैं बहुत ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ और अच्छे से. नहीं मैम इतना क्लियर नहीं हो रहा है मुझे मराठी में. हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ yes, अच्छा ma'am. चलो हम लोग नागपुर से अगर बॉम्बे हमको जाना है तो हमने दुरांतु वहां पे हमको पता है कि सुबह 8:30-9 बजे तक वीटी स्टेशन पे पहुंच जाएगी और मेरा अगर इंटरव्यू बॉम्बे में किसी वीटी के पास कोई कंपनी उसमें है तो मुझे पता है कि 10 बजे का इंटरव्यू है, मुझे रहने की वहां पे कोई जगह नहीं है. तो अगर मैं दुरांतो से जाती हूँ 8:30-9 बजे तक पहुंच जाऊंगी, 1 घंटे में मैं फ्रेश होकर रेलवे स्टेशन पे वही कंपनी में इंटरव्यू में चली जाऊंगी, आते समय रात के दुरांतो से मैं वापिस आ जाऊंगी नागपुर क्योंकि रहने के लिए मेरे पास बॉम्बे के यहाँ कोई ठिकाना नहीं है और उतने पैसे भी नहीं है कि जो मैं होटल अफोर्ड कर सकूं. तो मैं क्या सोच के जा रही हूँ बॉम्बे दुरांतो से कि वो 8:30 बजे सुबह पहुंचोगी और 10 बजे में मेरा इंटरव्यू के लिए वहां पे पहुंच सकूंगी. लेकिन अगर दुरांतो जो हमेशा टाइम पे जाती है वो उस दिन टाइम पे नहीं पहुंची, 9:30 या 10 बजे वहां पे पहुंची है तो मैं अपने इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती. लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि दुरांतो गलत है या दुरांतो कभी टाइम पे नहीं आती? इसका ये रिजल्ट निकलेगा क्या कि दुरांतो कभी भी टाइम पे नहीं आती? नहीं मैडम, नहीं मैडम, ऐसा नहीं निकलेगा. हाँ क्योंकि हमारे हमारे जो अजम्पशन थे, हमारा जो हाइपोथेसिस था, वो हमने जो अजम करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था वो गलत निकला. इसका मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट गलत है ऐसा नहीं हो सकता. ये है कंसेप्ट हाइपोथेसिस की, समझ में आ गया? इसलिए अगर मेरा हाइपोथेसिस गलत निकल रहा है या एक्सेप्ट नहीं हो रहा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो भी मुझे डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं डेटा एनालिसिस कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं हाइपोथेसिस का एनालिसिस कर रही हूँ और तब करते समय अगर ऐसे हुआ कि मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब मेरा टॉपिक गलत है ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा सब्जेक्ट गलत है ऐसे नहीं होता. समझ में आ गया? और ये बात समझ के ही हमको रिसर्च करना है, ठीक है? चलो आगे चलते. अब व्हाट इज द हाइपोथेसिस फॉर्मेशन? अ हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड, अ प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट to determine validity and is useful for further research. Original central idea which becomes the basis for fruitful investigation is known as working hypothesis. अब देखिए मैंने यहाँ पे working या alternative भी बोलते हैं ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये आपके thesis में भी आप कर सकते हो ये शब्द working hypothesis या alternative hypothesis. अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि yes Yes? हाँ. यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगी कि हाइपोथेसिस अगर आप ले रहे हैं तो आप वहां पे अल्टरनेटिव या वर्किंग हाइपोथेसिस लीजिए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस लेते हैं और नल हाइपोथेसिस बहुत सारे 4-5 ले लेते हैं, वो पूरा का पूरा थीसिस जो है या पूरा का पूरा आपका रिसर्च जो है वो निगेटिव माइंड में चला जाता है. और रिसर्च का एक बेसिक वहां पे अनरिटन रूल है कि वो आपका थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडेड या पॉजिटिव इंप्रेशन वाला रिसर्च होना चाहिए. आपका जो राइटिंग है वो नहीं है नल हाइपोथेसिस जिसको बोलेंगे, नो नहीं नॉट अवेलेबल, अगर ऐसे शब्द उसमें ज्यादा आ रहे हैं तो वो निगेटिव माइंड का हो जाता है और पढ़ने वालों को एक अजीब सा वहां पे लगता है कि अरे इसने रिसर्च क्या किया है, ये तो सब रिग्रेट कर रहा है, ये तो सब नहीं 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 बोल रहा है. तो इसलिए हाइपोथेसिस लेते समय अगर वो हम अल्टरनेटिव या वर्किंग हाइपोथेसिस लेते हैं तो ही हमारा रिसर्च थोड़ा सा पॉजिटिव होता है और ये अनरिटन है. यहाँ ये किसी ने किसी किताब में ऐसे लिखा नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये एक मानना है रिसर्च फील्ड में कि हाइपोथेसिस अगर पॉजिटिव होते हैं तो रिसर्च का एक जो इम्पैक्ट है वो भी पॉजिटिव होता है. ठीक है,
So hypothesis gives, एक मिनट, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसकी ये स्लाइड की फोटो निकाल लीजिए. Hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. In its most elementary stage, the hypothesis may be very hunch, guess, imaginative data, which becomes the basis for action or investigation. एक imaginative data होता है, एक imagination होता है कि ऐसे हो सकता है. यह hypothesis कहाँ से आता है? तो बहुत बार हम लोग जो literature review करते हैं उससे एक आइडिया आ जाता है कि हमारे इस रिसर्च में, इस प्रॉब्लम में क्या हो सकता है और इसका हाइपोथेसिस क्या हो सकता है. जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर में, या बहुत सारे डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं कि कोरोना के बाद में बहुत सारे लोगों को जो है किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जैसे बोलते हैं चेस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या हाथ पैर में थोड़े से अकड़न जकड़न जैसे प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं. तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे उसमें, और ज्यादा पढ़ेंगे तो एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि कोरोना का जो एक साइड इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है. ये हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है, ये टेंटेटिव जनरलाइजेशन है, एक टेंटेटिव हमारा गेसिंग है. उसके ऊपर हम लोग जब और ज्यादा काम करेंगे, जो भी कोरोना पेशेंट हो गए हैं उनको जाके हम मिलेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके उस जो डेटा हमको मिलेगा वो अगर सपोर्ट कर रहा है, हमने जो जनरल एक स्टेटमेंट किया है कि कोरोना के बाद लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट जो हमने किया है उसको हम सपोर्ट करेंगे. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हमको तो कुछ नहीं हो रहा. तो जिनको हम लोग मिल रहे हैं, हमारा सैंपल कौन सा है, जिनको कोरोना होके गया है वो हमारा सैंपल होगा, फिर हम उनसे डेटा कलेक्शन करें. तो ये एक हमारा इमेजिनेटिव होता है, जो एक बेसिस होता है एक्शन के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए. समझ में आ गया हाइपोथेसिस यानी क्या? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको एक स्टेटमेंट चाहिए, वो स्टेटमेंट हमको हाइपोथेसिस देता है, जो इमेजिनेटिव डेटा हमको वहां पे क्रिएट करना है. कहां से आएगा? लिटरेचर रिव्यू से. हाइपोथेसिस गिव्स अ गाइडलाइन फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस अवेलेबल इंफॉर्मेशन. कहां से आएगा? प्रीवियस अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड ए लिटरेचर रिव्यू. जो भी पहले रिसर्च हुए हैं, जो भी बुक्स लिखे हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या आजकल तो वेबसाइट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करके हम लोग हमारा खुद का एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस करके. इन एब्सेंस ऑफ दिस रिसर्च विल कलेक्ट अनरिक्वायर्ड डेटा एंड मे इलिमिनेट रिक्वायर्ड वन. दस हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन विच कैन पुट टू टेस्ट टू डिसाइड इट्स वैलिडिटी. जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया है उसकी वैलिडिटी, उसकी टेस्ट हम लोग करेंगे, और वैलिडिटी और टेस्टिंग हाइपोथेसिस वो आपको शायद कोई दूसरे जो है रिसोर्स पर्सन वो बताने वाले हैं. ठीक है, चलो. इन हाइपोथेसिस इज द इनिशियल आइडिया ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. इट इज ऑफन ब्लर्ड और जनरल. इट रिक्वायर्स रिफाइनिंग बिफोर रिसर्च हाइपोथेसिस कैन बी जनरेटेड. Refinement of the initial idea is based on search on relevant literature, observation of the phenomena. Narrow and formalized initial idea convert in the statement of the problem. This is hypothesis. Narrow and formalized initial idea convert in the statement of the problem is hypothesis. एक वहां पे ब्लर्ड या जनरल आइडिया लेंगे, उस आइडिया को हम लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जर्वेशन ये सब करके वहां पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करेंगे. एक मैं बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बिग बाजार जो है, बिग बाजार, हाँ, जो मॉल है अपना सीताबर्डी का, वहां पे हमको एक डेटा कलेक्शन का काम मिला था.
और उन्होंने बताया था कि कौन से डे में पूरे 6 दिन का काम मिला था और कौन से दिन बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स आते हैं। शुरू बहुत शुरू की बात है, शायद 99-2000 की अगर बात होगी। तो उन्होंने हमको ये प्रोजेक्ट दिया था कि अगर आप हमको ये डेटा कलेक्शन करके देते हैं कि कौन से दिन में कितने ज्यादा ग्राहक आते हैं और लेडीज कितनी आती है और जेंट्स कितने आते हैं, लेडीज कौन से दिन ज्यादा आते हैं, जेंट्स कौन से दिन ज्यादा आते हैं, ये पूरा डेटा उनको चाहिए था। तो हमने वो उस बिग बाजार के सामने हम लोग वहां पे बैठ गए 4-5 स्टूडेंट्स को लेके। दो स्टूडेंट्स को मैंने फीमेल का टिक मार्क करने के लिए दे दिया, दो स्टूडेंट को मैंने एक मेल का करने के लिए दे दिया। और वीकली वहां पे डेली करते थे, 7 दिन वहां पे बैठे हम लोग मंडे से लेके संडे तक। फिर वहां पे बैठने के बाद मुझे, मैं तो ऑब्जर्व कर रही थी बाकी ये स्टूडेंट, मेल दिखा तो मेल पे टिक करेंगे, फीमेल दिखा तो फीमेल पे टिक करेंगे, ऐसे काम चल रहा था। मैं वहां पे बैठी थी ऑब्जर्व कर रही थी, तो मैंने वो टाइमिंग भी उनको बताना था कि कौन से टाइमिंग में कौन से कंज्यूमर्स ज्यादा आते हैं। तो देखते मैंने वो देखा कि लोग जो जिस साइड में, वहां पे देखिए दो साइड बनी हुई है बिग बाजार में, एक इधर से एक ऊपर जाने वाला रास्ता है और एक नीचे आने वाला रास्ता है, ऐसे उन्होंने एक बाइफर्केशन करके रखा है अभी भी। ऊपर जाते मैंने देखा कि जिस साइड से ऊपर जा रहे लोग उसी साइड से नीचे आ रहे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जिस साइड से ऊपर जा रहे उसी साइड से नीचे आ रहे, और जो दूसरे साइड थे जो नीचे उतरने वाली साइड थी उसका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे लोग कर रहे थे। तो ये सब तो डेटा हमने उनको दे दिया था, लेकिन उसके बाद हमने उनको एक सजेशन भी दिया। क्या दिया कि अगर ये दूसरी आपकी जो साइड है, जो उतरने वाली साइड है, राइट साइड जो है, अगर उसमें आप बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की फ्लैक्स लगा लेते हैं या कुछ ऐसे वहां पे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये जो साइड आपने खुली छोड़ी, बहुत बड़ा वहां पे स्पेसिंग एरिया है, तो अगर वो आपकी खुली साइट है वहां पे अगर एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगते हैं तो आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। ये हमने वहां पे उनको एक अदर देन उनका जो डेटा था उसका फीडबैक वहां पे दिया था। तो ये एक इनिशियल आइडिया क्या थी कि बिग बाजार में कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और उसका क्या ये है, कौन से डे में आते हैं, ये एक इनिशियल आइडिया को कन्वर्ट किया हमने हाइपोथेसिस में कि अगर ये साइड इस्तेमाल नहीं हो रही है तो ये साइड में अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं तो बिग बाजार को और ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसलिए रिलेवेंट लिटरेचर देखना और ऑब्जर्वेशन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है रिसर्च में। इतने फैंटास्टिक आइडियाज आपको मिलेंगे, इतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका टॉपिक था ये जो ये बैंड वाले थे ना, बैंड बजाने वाले, तो बैंड बजाने वाले का आर्थिक और सामाजिक अध्ययन करने वाली उसका एक एमफिल के लिए प्रोजेक्ट था। तो वो जाती थी वो उस एरिया में डेटा कलेक्शन के लिए। अब हमारे टाइम पे वो उसका भी होके अभी 15 साल हो गया, ज्यादा ही हो गए हो। तो वो जाते थे वहाँ उनके एरिया में डेटा कलेक्शन के लिए कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनके घर में टॉयलेट्स बाथरूम है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, वो सब देखने के लिए जाती थी। तो उसके ध्यान में आया कि ठंडी के दिन में देखो मच्छर बहुत होते हैं नागपुर में। तो उसके ध्यान में यह आया कि जैसे मैं वहाँ उस एरिया में जाती हूँ तो मच्छर एक भी नहीं है, बाकी इतनी गंदगी है पूरे एरिया में लेकिन मच्छर एक भी नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन देखिए उसका। फिर उसने पूछा उन लोगों को कि मैं इतनी बार यहाँ पे आती हूँ, हमारे एरिया में मेरे घर में इतने सारा ज्यादा मच्छर है, लेकिन तुम्हारे एरिया में जब मैं आती हूँ तो एक भी मच्छर मेरे को नहीं दिखा। इतने देर तक मैं सबके घर में बैठती हूँ तो मेरे को तो एक भी मच्छर नहीं अभी तक काटा नहीं है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग बैंड की प्रैक्टिस करते, हम लोग रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक बैंड बजाने की प्रैक्टिस करते, तो बैंड के वो रिदम से जो इतना जोर जोर से बैंड बजता है और पूरे कॉलोनी के पूरे जो एरिया के लोग हैं सभी वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बैंड के रिदम से जो मच्छर है, जो कीटक है, वो सब भाग जाते हैं और हमारे एरिया में एक भी मच्छर नहीं रहता। ऑब्जर्वेशन उसका फाइंडिंग अदर देन हाइपोथेसिस, उसके फाइंडिंग हो गए कि उस एरिया में गंदगी है लेकिन मच्छर एक भी नहीं है, और मच्छर नहीं है इसकी वजह से उनको जो मच्छर से काटने वाले रोग होते हैं वो होते नहीं। आई बात ध्यान में? ऐसे हमारे जो आइडिया है
उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस में. ठीक है, अ गुड हाइपोथेसिस इज इट शुड बी स्टेटेड इन ब्रीफ एंड डेफिनेट टर्म, शुड बी टेस्टेबल and the relationship between variables should reflect the theory or literature that is based on. So, जो hypothesis हम लोग दे रहे वो छोटा और एक definite term में होना जरूरी है और testable होना चाहिए, उसका एक relation होना चाहिए variables के साथ. जो theory हम लोग दे रहे उसके ऊपर हम लोग बेस करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव, उसका रिलेशन देंगे वेरिएबल से, वो टेस्टेबल होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए. द हाइपोथेसिस मस्ट फुलफिल टू रिक्वायरमेंट्स. द हाइपोथेसिस मस्ट प्रोड्यूस अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड इट मस्ट बी पॉसिबल टू टेस्ट. ये दो बात हमेशा याद रखना है, एक सॉल्यूशन देना है प्रॉब्लम को और दूसरी बात यह है कि उसका टेस्टिंग कर सकेंगे, ऐसा ही वो वहां पे होना चाहिए. कोई तो भी टेस्ट उसको लगनी ही चाहिए, अगर वो टेस्टेबल नहीं है तो वो हाइपोथेसिस नहीं है. द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई अ टेस्ट इम्प्लीकेशन फ्रॉम द हाइपोथेसिस, दैट इज द क्वेश्चन, आर देयर एनी इफेक्ट दैट द पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड दैट वुड ऑकर इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू. अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है तो कुछ उसको टेस्ट लग सकती है क्या. इट शुड बी आंसर्ड, द ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स आर कॉल्ड टेस्ट इम्प्लीकेशंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस. जो भी ऑब्जर्वेबल, क्या हम लोग उस जो हाइपोथेसिस हमने लिया है उसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन लोगों को पूछ सकते हैं क्या, उसके ऊपर हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्या. अगर ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हाइपोथेसिस हमें यस करके देता है तो ही वो हाइपोथेसिस टेस्टेबल होता है, कुछ ना कुछ टेस्ट उसके ऊपर लगती है, नहीं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता ही नहीं. समझ में आ गया यहाँ तक, समझा सबको? यस मैम. आर यू देयर? यस मैम. यस मैम. चलो, अ टेस्ट implication is theoretically deduced from the hypothesis and expected to be present in certain case, then the case is produced, and if the test implication cannot be observed the hypothesis must be false. अभी जो मैंने आपको बताया वो hypothesis ही नहीं होता, उसको हम लोग hypothesis नहीं बोलेंगे अगर उसको test नहीं लगता है. So forms of the hypothesis देखेंगे. Form of hypothesis is depending on the question being asked and the type of study being conducted. Simple form of the hypothesis are typically phrased as if and then statement. Some hypothesis may simply describe how two things may be related. Usko correlational research ya correlational hypothesis mante bolta hai. Ya secondly, relation of one variable causes to change in another variable is called causal relationship. कोरिलेशनल एंड कॉजल रिलेशन, ये देखिए दो टाइप के भी होते हैं. एक सिंपल होता है इफ ऐसा ऐसा है तो ऐसा होगा, इफ एंड देन. दूसरा होता है कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, और तीसरा होता है कॉजल कॉज का, जैसे कॉजल रिलेशन जिसको बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट. महंगाई क्यों बढ़ रही है, वस्तुओं के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं. पेट्रोल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, तो ऑयल या पेट्रोल के जो जो भी देश हमको एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने वहां पे रेट्स बढ़ा दिए हैं. तो कॉज एंड इफेक्ट, एक का एक वेरिएबल में अगर चेंज होता है तो दूसरे वेरिएबल में उसका इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉजल रिलेशनशिप. तो ऐसे तीन फॉर्म के वहां पे हाइपोथेसिस होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर, कंसेप्ट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. Definition should be commonly accepted. Definition should be easily communicable. A hypothesis must have observed references. Variables in the hypothesis must have experimental possibilities. A hypothesis must be special. Hypothesis should be related to available research techniques. A hypothesis should be related to body of theory.
सो कैटेगरीज ऑफ हाइपोथेसिस होता है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अभी मैंने बताया, बेस्ड ऑन देयर फॉर्मुलेशन. नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड बेस्ड ऑन डेरिवेशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. एक एक करके देखते हैं. Hypothesis is the proposition formulation to explain observed facts or conditions in under order to guide the investigation further. It can be either research hypothesis, जिसको हम alternative hypothesis कहते हैं, or null hypothesis, जो negative या no significant relationship between the independent and dependent variable बताता है, उसको हम null hypothesis बोलते हैं. और जो हम लोग alternative hypothesis बोलते हैं, उसको research hypothesis. सो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, उसको क्या लिखते हैं, एच ओ. देखिए अभी मेरे मुझे प्रेजेंटेशन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम गया, तो ये जो ओ है और ज्यादा सफिक्स होता है और ज्यादा थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है. फिर भी मैंने कोशिश की है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं आया है. और ज्यादा उसको सफिक्स में होना चाहिए. वर्ड वर्ड में लिख के, वर्ड फाइल में लिख के उसको कॉपी करके फिर प्रेजेंटेशन में देना, तो ये होता है फिर अच्छे से, ठीक है. द नल हाइपोथेसिस इज रेफर्ड टू एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, शो नो डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स वी वांट टू स्टडी, मे एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एज बेंचमार्क अगेंस्ट विच द रिसर्चर विल मेजर द एक्चुअल आउटकम ऑफ द स्टडी वंस द रिसर्चर हैज कलेक्टेड द डाटा. इट रिप्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी. वो एच ओ जो हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, वो दोनों तरफ से होता है, यानी कभी ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है. जैसे वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है. उसमें जो रिलेशन है वेरिएबल्स में, उसमें कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे करके हम ये हाइपोथेसिस लेते हैं. और बहुत बार क्या होता है, सब स्टूडेंट्स जो लिख के आते हैं एच ओ वन एच ओ टू ऐसे लिख के लाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता. एच ओ ही होता है, एच ओ वन एच ओ टू एच ओ थ्री होता नहीं. अगर आपने ऐसे लिखा है तो उसको प्लीज उसको वहां पे करेक्ट कर दीजिए. नल हाइपोथेसिस है तो वो एच ओ ही होगा, बस बाकी कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिलेशंस इन इज ऑलवेज पॉजिटिव. प्रेजेंट द अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस. इट रिप्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी. Research hypothesis may be directional or non-directional. Directional reflects the difference between group and the difference are specified. Non-directional reflects a difference between group, but the direction of the difference is not specified. जो alternative hypothesis होते हैं वो दो type के होते हैं, directional and non-directional. अगर हम लोग दो group में कुछ direction या कुछ relationship है वो अगर बताने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्शनल होता है. जैसे लेस देन लेस सैलरी इज लेस देन, अगर हम लोग बोलेंगे कि लेबर सैलरी इज लेस देन ऑफिसर्स, तो ये हम लोग एक डायरेक्शन दे रहे हैं. और नॉन डायरेक्शनल यानी दो ग्रुप पे कुछ भी हम लोग वहां पे नहीं बता रहे, हम लोग ये बता रहे हैं कि डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ लेबर्स एंड ऑफिसर्स, ऐसे हम लोग बता रहे. लेकिन लेस देन है या मोर देन है हम उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे, तो उसको नॉन डायरेक्शनल रिफ्लेक्शंस बोलेंगे या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलेंगे, ठीक है. हाँ, अभी मैंने बताया ये हाइपोथेसिस यूज सो कॉल्ड कंपैरिजन टर्म दैट ग्रेटर लेस देन बेटर वर्स, ऐसे अगर कहेंगे तो उसको डायरेक्शनल बोलते हैं. नॉन डायरेक्शनल क्या है, डिफरेंस टू ग्रुप्स स्पेसिफाई, बट उसका ये हम लोग क्या क्या डिफरेंस है वो नहीं. When the hypothesis simply predicts that there will be difference between two groups, that is non-directional. Simply based on words, that hypothesis can tell the difference between directional and non-directional. हाँ, इसके बारे में कुछ MCQs आ सकते हैं. Non-directional, directional क्या है? समझ में आ गया सबको? Directional, non-directional hypothesis. मैम. हाँ, बोला. मैम. As you said कि हम लोगों को H O one नहीं लिखना है, but if there are more than two three hypothesis, H one O, H two O, that we can write, ना मैं? नहीं, सभी को H O लिखना है, सबको H O लिखना है,
सभी को एचओ लिखना है. कितना कितने नल हाइपोथेसिस लिया है आपने? 5 है मैडम. आप रे पाचों के आप पाचों आपके नल हाइपोथेसिस है? हाँ मैडम. आपके गाइड ने कुछ नहीं बोला? मैडम मैंने इनिशियली 3 लिया था, उन्होंने बढ़वा के 5 किया कुछ बाद में. अच्छा देखेंगे. आपका कॉमर्स में है क्या? या मैडम बिजनेस मैनेजमेंट में. हाँ फिर मैं आपका सेमिनार में देख लूंगी, आप दिखा दीजिए. ठीक है, कुछ गाइडेंस होगा तो आप दीजिए मैडम मेरे को. हाँ नहीं लेकिन वो प्रेजेंटेशन के टाइम पे एचओ एचओ ही लिखना है सभी. मैं वो ठीक कर देता हूँ. एचओ2 ऐसा नहीं है ना, आप देखिए कोई भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक रेफर करिए उसमें कहीं पे भी ऐसे लिखा नहीं है. ठीक है मैम. है ना, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे देखना जरूरी है. ओके मैम. ठीक है एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक दो मिनट ये करती हूँ. मैडम हम लोग क्या 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं अभी? अभी थोड़ा सा रह गया. अच्छा कोई, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैडम 5 मिनटाचा ब्रेक घ्यायचा का? हो हो घेऊ घेऊ. ओके ओके. देन सिंपल अँड कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस. सिंपल हायपोथेसिस एक्सक्यूज मी मैम. नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैम, आप उसमें कुछ एग्जांपल देखे दो हाइपोथेसिस फॉर्म करके बता सकते हैं? क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंस होता है, कंफ्यूजन होता है. हाँ नल में अगर आप नेगेटिव लिखते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो वो नल होता है. ओके अगर नो शब्द यूज कर रहे हैं आप, निगेटिव उसको सेंटेंस को निगेटिव कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि हमने जो स्टेटमेंट लिया है, जैसे प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना का मैं बोल रही हूँ कि कोरोना का प्रॉब्लम है, तो कोरोना का इफेक्ट हेल्थ पे हुआ है, ये अगर लेते हैं तो ये होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इफेक्ट ऑफ कोरोना कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम इन ह्यूमंस, अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, लेकिन देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऐसे अगर हम लेते हैं तो ये होता है नल हाइपोथेसिस. ओके मैम. रिग्रेट कर रहे हैं हम लोग, हमारा स्टेटमेंट हम लोग है ने, जो टाइटल हमने लिया है, जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया है, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे अगर हम लोग कहेंगे तो उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं. तो देखिए एक बेसिक उसमें होता है नल हाइपोथेसिस के बारे में, मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, एक बेसिक उसके ऊपर अजम्पशन ऐसे होता है कि इन्होंने जो स्टडी का प्रॉब्लम शुरू में लिया था वो आपने जब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको पता चला कि ये ऐसा है ही नहीं, इसलिए आपने हाइपोथेसिस ऐसे लिया. समझ में आ गया? इसलिए नल हाइपोथेसिस नहीं लेना चाहिए, ऐसे बार बार बोलते हैं लोग. लेकिन अगर 5-5 नल हाइपोथेसिस लिए जाए तो पूरा पूरा रिसर्च आप निगेटिव कर रहे हैं, ऐसे आपको नहीं लगता क्या? अब हम लोग आगे जाके एक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का मैं आपको फॉर्मूला दूंगी तो ये आपको पता चलेगा कि अगर नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो हम लोग हमेशा ये बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है. आज हम लोग देख रहे हैं जैसे लिटरेचर, मैंने कोरोना का उदाहरण आपको दिया कि लिटरेचर रिव्यू के बाद में हमको पता चलता है. आज पेपर में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं, हमने खुद ने भी वहां पे एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया है. आज मुझे भी बहुत बार ऐसा आता, अभी दिन सुबह से 7 बजे से अगर मेरे क्लासेस शुरू है, अभी 4 बज रहे 5 बज रहे, अब मेरे को खांसी आ रही बहुत ज्यादा. तो कोरोना होने के बाद ऐसे हो रहा है मुझे कि पहले तो मैं दिन भर पूरा क्लासेस लेती थी तो कुछ नहीं होता था मुझे, लेकिन अभी ये आफ्टर कोरोना मुझे खांसी आती है अगर बहुत ज्यादा, मैं अगर बहुत देर तक बात करती रहती हूँ या बोलती रहती हूँ, मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है. तो ये हेल्थ इश्यूज है, और जो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं उनके भी हेल्थ इश्यूज है. तो हम लोग अगर ऐसा हाइपोथेसिस ले रहे हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम्स और देयर इज सम हेल्थ इश्यूज आफ्टर कोरोना, ऐसे अगर हम ले रहे तो ये पॉजिटिव या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. अगर हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज नो एनी हेल्थ इश्यूज आफ्टर कोरोना, तो जो लिटरेचर हमको बता रहा है उसको हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं, है ना? यस. हाँ
तो इसलिए पूरा रिफ्लेक्शन जो आता है नल हाइपोथेसिस का निगेटिव होता है। तो अभी भी वक्त है सबमिशन के पहले, अगर आपको लगता है कि आपका जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक हाथ, अगर नल हाइपोथेसिस इट्स ओके, अगर आप पांच पांच नल हाइपोथेसिस ले रहे तो आपका रिसर्च पूरा निगेटिव इफेक्ट में जाता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए ज्यादा। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। अब मैडम, एक क्वेश्चन सिंपल। कर रहा था मैडम। हाँ हेलो। हाँ बोला बोला बोला। मैडम, जो हाइपोथेसिस होते हैं वो जितना ऑब्जेक्टिव है उतना हाइपोथेसिस होना चाहिए क्या? कितने? हाँ जैसे अभी 10 ऑब्जेक्टिव है तो हाइपोथेसिस 10 ही होना चाहिए क्या? नहीं, वही मैं बताने वाली हूँ आज, अभी बाद में। अगर आपका थेसिस है, अगर आप पीएचडी का थेसिस है और टॉपिक में आपके वेरिएबल्स चार या पांच आ रहे हैं, टाइटल में चार पांच आ रहे हैं, तो चार या पांच आपके हाइपोथेसिस होंगे, जितने वेरिएबल्स है उतने हाइपोथेसिस, सिंपल वे। चार वेरिएबल है, 10 ऑब्जेक्टिव है मैडम। नहीं तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव आप लेंगे, लेकिन हाइपोथेसिस अगर आपके जितने वेरिएबल है उतने ही लेंगे आप, अच्छा क्योंकि आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, और हाँ एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको कितना ज्यादा डेटा लगता है। अगर आपको एनोवा टेस्ट करना है, कम से कम टू टेल हाइपोथेसिस एनोवा टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए आपको कम से कम उसमें डेटा पांच या चार या पांच कंटेंट्स का होना चाहिए। एक वेरिएबल को लेके आप चार या पांच कंटेंट्स वहां पे कलेक्ट करेंगे तो एनोवा आपका अच्छा होता है, ठीक है ना? तो ठीक है। अच्छा आपको पहले टेस्ट का, वहां पे जो भी टेस्ट आप लगाएंगे वो टेस्ट का भी आपको स्टडी करना जरूरी है। जब भी आप टाइटल फॉर्मेशन करेंगे वो, जहां उसमें वेरिएबल्स डालेंगे या हाइपोथेसिस डालेंगे, तो उसके पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है उसकी भी थोड़ी स्टडी होना जरूरी है। इसीलिए ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क है, यहाँ पे आपको सभी बता जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बताएंगे आपको कि कैसे होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, मैंने तो ये कुछ सोचा ही नहीं था हाइपोथेसिस करते समय। देखिए अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ है, आप आपका हाइपोथेसिस रिफ्रेम कर सकते हैं, टाइटल को छोड़ के आप बाकी सब रिफ्रेम कर सकते हैं, इसलिए तो ये पढ़ना है अपने को। हाँ ओके मैम, थैंक हाँ यू। हाँ मैम, ठीक है, अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स देखते हैं। सिंपल में क्या होता है कि एक ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल लेके अगर हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स होना जरूरी है कोई भी हाइपोथेसिस में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बताने वाली हूँ मैं आगे जाके। तो अगर हम लोग सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो उसको हम लोग सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं, और अगर हम लोग दो इंडिपेंडेंट एंड दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल लेके अगर उसके रिलेशनशिप बताने की कोशिश करेंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स या मल्टीवेरिएट हाइपोथेसिस बोलते हैं। समझ में आ गई? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस यानी क्या, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा आपको। सिंपल हाइपोथेसिस यानी क्या और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस यानी क्या? ओनली वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल लेके अगर हाइपोथेसिस हो रहा है तो सिंपल हाइपोथेसिस, दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल लेके हाइपोथेसिस हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, सिंपल याद रखना। ठीक है, आगे चलो। यस मैम, यस मैम। ओके चाहिए, ऐसे हुआ। अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस इंटरेस्टिंग है ये भी। इट इज क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर डिराइव्ड। हमने जो हाइपोथेसिस तैयार किए हैं वो हमने कैसे तैयार किए हैं, उसकी जो मेथड है उससे इंडक्टिव और डिडक्टिव हाइपोथेसिस होता है। अगर हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिनोमिना देखा हमने, वहां जाके खड़े रहे, ऑब्जर्वेशन किया, एक पैटर्न हमने देखा, फिर उस पैटर्न को देख के हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, जैसे मैंने बिग बाजार का पहले बताया था। एक और मैं एक मजेदार बात आपको बताती हूँ इंडक्टिव हाइपोथेसिस के बारे में, कि बरडी एरिया जो है अपना, सीताबरडी एरिया, वन वे वाला जो एरिया है ना, वहां जाके एक बार मैं खड़ी हो गई, मेरे को मुझे जाना था मलेशिया को, मलेशिया, और वहां पे मुझे मॉल्स पे और रिटेलिंग रिटेल इन जो है मार्केटिंग उसके बारे में पेपर प्रेजेंटेशन करना था। तो
रिटेल मार्केट जो है बिल्कुल रास्ते पे बैठने वाले हॉकर्स वगैरह, उनको उनका स्टडी मुझे करना था, वो तो इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, इसलिए मैं जाके वहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए हर इतवार को जाके खड़ी होती थी और देखती थी कि कैसे व्यवहार हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन पे मैंने मुझे देखा कि एक पैटर्न वहां पे मुझे ऐसे दिखा कि सब लोग जो भी रास्ते पे बैठे हुए लोग थे उनके पास जा जाके बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो एक मैंने इंडियन कंज्यूमर्स का एक वहां पे पैटर्न देखा, पूरे 4-7 दिन मैंने वहां पे स्टडी की और उसके बाद में मैंने वहां पे देखा कि मुझे लगा कि एक पैटर्न यह है कि किसी भी दुकान में जाओ, आप सब्जी लेने के लिए जाओ, आप यानी बहुत बड़े मॉल्स में हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन रिटेलिंग में है हम लोग बहुत अच्छा कर ये ऐसे करते हैं कि कोई भी सामान, सिंपल एक पिन भी आपको लेनी है सब्जी में, सिर्फ अपने अपने को कोथिंबीर लेनी है तो हम लोग वहां के 5 रुपए बताएंगे तो 2 रुपए में देता क्या, ऐसे हम लोग वहां पे उसको पूछेंगे। सही बात है कि नहीं है? यस मैम। हाँ, तो एक पैटर्न मैंने वहां पे देखा और फिर मैंने एक हाइपोथेसिस वहां पे बनाया कि इंडियन कंज्यूमर्स आर ऑलवेज एक प्रिफर ऑलवेज गिव प्रिफरेंस टू द बार्गेनिंग, और फिर उसके ऊपर एक थ्योरी बना डाली। और बार्गेनिंग से कंज्यूमर्स का क्या फायदा हो रहा है और बार्गेनिंग से दुकानदार को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर मैंने पूरा स्टडी कर डाला। एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर, मुझे बेस्ट पेपर अवार्ड मिला उसका, और उसमें ये पता चला कि जो प्रॉफिट होता है दुकानदारों का उसमें उनकी बार्गेनिंग की वजह से, क्योंकि सेल नहीं होता तो ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट पे वो नो लॉस नो ली नो प्रॉफिट पे अपना माल बेचते हैं कभी कभी बार्गेनिंग की वजह से, तो उनका 25% तक का प्रॉफिट में लॉस होता है, ये उसमें से ढूंढ के निकाला। तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन किया, एक पैटर्न वहां पे दिखा, वो पैटर्न से मैंने हाइपोथेसिस बनाया और हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट किया, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी पहले पढ़ते हैं, थ्योरी यानी लिटरेचर रिव्यू, लोगों ने जो भी हमारे पास हमारे सब्जेक्ट के ऊपर जो भी रिसर्च किया हुआ है उनके रिसर्च पेपर्स या कुछ बुक्स हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमने बनाया हुआ हाइपोथेसिस का ही हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस हाइपोथेसिस को हम लोग कंफर्म करते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टिव हाइपोथेसिस। नॉर्मली हम लोग इसी टाइप का अपना जो है सोशल साइंसेस में अपना रिसर्च करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद हाइपोथेसिस लिखते हैं, हाइपोथेसिस के बाद में उसका ऑब्जर्वेशन यानी डेटा कलेक्शन करते हैं, क्वेश्चन आयर बना के ऑब्जर्वेशन से या कुछ शेड्यूल बना के उनको क्वेश्चंस पूछ के कुछ भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसको हम लोग हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टिव हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज द वेरिएबल, एनी फैक्टर दैट टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज इज अ साइंटिफिक वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ द रिसर्च, दैट इज जेंडर, कलर, कैटेगरी, वेट, टाइम एक्सेट, उसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल्स। बहुत बार अभी तक मैंने बहुत जितना भी बात करी हूँ उसमें से वेरिएबल वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये शब्द आपने देखे हैं या सुने हैं, तो उसमें वेरिएबल्स क्या है ये भी आपको पता चला, जो डिफरेंट टेक ऑन डिफरेंट वैल्यू, एनी फैक्टर दैट टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज इज अ स्पेसिफिक वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ द रिसर्च। जेंडर से इन्फ्लुएंस होता है, कलर से इन्फ्लुएंस होता है, कैटेगरी से इन्फ्लुएंस होता है, वेट से इन्फ्लुएंस होता है, टाइम से इन्फ्लुएंस होता है, तो ये हम वहां पे उसको वेरिएबल्स कहते हैं। अभी वेरिएबल्स का भी हम लोग कैसे दो टाइप के वेरिएबल होते हैं वहां पे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड कंट्रोल्ड, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल्ड। डिपेंडेंट कैटेगरिकल कंटिन्यूअस एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है देखते हैं। दोज वेरिएबल कॉजेस और इन्फ्लुएंसेस द आउटकम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, कॉजेस द इन्फ्लुएंसेस, कॉजेस और इन्फ्लुएंसेस जिसकी वजह से बदल हो रहा है उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे, उसके ऊपर किसी का परिणाम नहीं हो रहा, वो दूसरे के ऊपर परिणाम कर रहा है, ऐसा अगर कोई वेरिएबल है तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे।
those variables influences by the independent variable is called dependent variable. And those variables researchers does not want to change during the course of experiment is called controlled variables. तीनों के बारे में हम लोग सुनते हैं अभी, देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जो दूसरों के ऊपर परिणाम कर रहा है लेकिन उसके ऊपर किसका किसी का परिणाम नहीं हो रहा है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जिसके ऊपर परिणाम हो रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे. जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ने से जो गुड्स है उनके भाव बढ़ रहे, जो रेट से प्राइसेस है वो बढ़ रहे, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है. वहां पे इंडिपेंडेंट क्या है, पेट्रोल के रेट, उसका परिणाम किसके ऊपर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स उसके ऊपर उसका हो रहा है परिणाम. इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक, क्या, रेट्स ऑफ पेट्रोल. ठीक है, अब कंट्रोल्ड वेरिएबल किसको कहेंगे कि हम लोग जब रिसर्च कर रहे हैं तो बाकी चीजों का हम लोग वहां पे कुछ ध्यान नहीं देंगे. हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिखा है, पेट्रोल के रेट्स. हमारा टॉपिक क्या है रिसर्च का, कि पेट्रोल के रेट्स के वजह से हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहे, ठीक है, या प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है. तो हमने कंट्रोल ग्रुप किसको रखा, बाकी जो वेरिएबल से, बाकी जो एनवायरमेंट है उससे अगर प्राइसेस बढ़ रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है या लोगों की सैलरी बढ़ रही है, सेवन पे में लोगों के पास पैसा आ गया तो उन्होंने डिमांड करना शुरू किया, मार्केट में डिमांड बढ़ गया है इसलिए प्राइसेस हो रहा है, डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन कम हो रहा है इसलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे. दोज वेरिएबल रिसर्चर डज नॉट वॉन्ट टू चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड वेरिएबल. ये सब वेरिएबल्स कंट्रोल्ड वेरिएबल होंगे, उनको भी लिखना जरूरी है कि ये बाकी चीजें है लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल पेट्रोल के रेट्स ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे गुड्स ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स ये है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके ऊपर ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं, यही हमारा एंगल है, यही हमारा पर्पज है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, समझ में आ गए तीनों, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ मैम, इन आवर रिसर्च इवन वी हैव टू फोकस ऑन द कंट्रोल्ड वेरिएबल्स आल्सो, इफ इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर रिसर्च देन आल्सो. यस यू हैव टू, बिकॉज़ इफ यू डू नॉट मेंशन योर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स यू डू नॉट फाइंड आउट योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियरली. There are many factors. बहुत सारे factors होते हैं जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग कौन से फैक्टर को वेरीफाई कर रहे हैं, कौन से फैक्टर को ही ज्यादा मायने दे रहे हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम वेरिएबल हो जाएगा. तो इसलिए बहुत ज्यादा बाकी जो फैक्टर्स है वो कंट्रोल्ड वेरिएबल में जाएंगे और उसको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल्ड वेरिएबल हम लोग नहीं बताएंगे तो आपको वैल्यूअर पूछेगा कि यही है क्या, बाकी का लोग है ना, बाकी को बाकी के फैक्टर्स है उनका क्या. ओके, तो मैम ये इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा. नहीं, ये आपको हाइपोथेसिस या रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखना है. ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर में लिखना है. जब आप हाइपोथेसिस लिखेंगे, आपके वेरिएबल्स लिखेंगे, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, ऐसे जब आप लिखेंगे उसके बाद आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होगा वो भी आप देखेंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी ना, रुकेंगे, रुकिए, आपको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अब कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है वो देखते हैं. वेरिएबल्स दैट कैन टेक एन स्पेसिफिक या स्पेशल वैल्यूज ओनली विद इन अ डिफाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड कैटेगरिकल. अब आपने तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको कैटेगरी क्या है और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या है पता है. जैसे जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, कंसिस्ट डिक्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज सच एज मेल फीमेल ब्लैक वाइट, ये आपको मालूम है कि एक कैटेगरी होती है, मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी ब्लैक वाइट, ऐसे एक रेंज हम लोग वहाँ पे बताते हैं. जेंडर है तो इसमें उसको हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल्स बोलेंगे.
और वेरिएबल डेट कैन बी मेजर्ड विद द ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल्स. क्या है फिर वो बताइए. एज इनकम हाइट वेट हाँ सिंपल वे जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में बताते हैं वो कंटिन्यूस, जिनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं बता पाते हैं वो कैटेगरी. ठीक है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वही है. वेरिएबल दैट वेरी टू इन अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव. दैट हाइट वेट सैलरी वेरिएबल दैट वेरी इन काइंड ऑफ कॉल्ड in kind is called qualitative variable like helpful, attractive, satisfied, etc. Okay, quantitative, qualitative, continuous, categorical same है, थोड़ा सा फर्क है उसमें. So हम लोग example लेते हैं. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक example लेंगे control independent, control dependent and independent variable. So first identify a general idea. जैसे मैंने पहले बताया कि एक आइडिया आपको लिटरेचर रिव्यू से आएगा या ऑब्जर्वेशन से आएगा. देन इफेक्ट ऑफ द जैसे मैंने लिया इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज एफिशिएंसी. ये एक मेरा जनरल आइडिया है, जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि ट्रेनिंग का एम्प्लॉइज के एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है. देन आइडेंटिफाई अ रिसर्च क्वेश्चन. The research question should be more narrowly defined, more specific than the general research topic. General research क्या लिया था मैंने effects of training on employees efficiency. उसको मैंने और narrow किया और concisely वहाँ पे लिखने की कोशिश की. Does training improves workers efficiency? पहले मैंने लिखा effects of training on employees efficiency, then मैंने उसको question में form किया. Does training improve workers efficiency? Then operationally define the variables. The researcher is in control of the independent variable in the experiment. The dependent variable, however, is simply observed in the content of the experiment. It must contain at least two variables. कम से कम दो variables उसमें होनी चाहिए. Now formulate the hypothesis. Attempt to answer the question by making the conditional statement like training may improve workers' efficiency. जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि डज ट्रेनिंग इंप्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी, उसका आंसर मैंने लिया कि ट्रेनिंग में इंप्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी. देन डिफाइन इट बाय राइटिंग फॉर्मुलाइज हाइपोथेसिस. फॉर्मुलाइज का मैंने इफ एंड देन का फॉर्मूला बताया था आपको. इफ ट्रेनिंग इंप्रूव्स द वर्कर्स एफिशिएंसी देन कंपनी हु गिव्स ट्रेनिंग इंप्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी. अब यहाँ पे मैंने इफिशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए. जैसे मैंने पेट्रोल के रेट्स में दो पेट्रोल के रेट जैसा इंडिपेंडेंट था उसमें मैंने दो आपको बताए थे. एक तो गुड्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड देन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. कुछ भी दो वेरिएबल्स लेके आपको हाइपोथेसिस बनाने. इसलिए हाइपोथेसिस एक से ज्यादा अगर चार पांच रहेंगे वेरिएबल्स लेके तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके आप चार पांच वहां पे हाइपोथेसिस बना सकते हैं जिसमें दो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना जरूरी. समझ में आ गया. दिस टाइप ऑफ इफ देन हाइपोथेसिस कंसीडर्ड द मोस्ट यूजफुल. अब इसमें सब्जेक्ट ग्रुप में को डालना है कि वेरीफाई दैट हाइपोथेसिस इंक्लूड अ सब्जेक्ट ग्रुप. अब वेरीफाई दैट ट्रीटमेंट और एक्सपोजर इज इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंट. अ ट्रीटमेंट इज लिटरली व्हाट इज बीइंग डन इन सब्जेक्ट ग्रुप. इन दिस एग्जांपल द ट्रीटमेंट इज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज. सो प्रिपेयर फॉर ऑन आउटकम मेजर व्हिच इज मेजरमेंट कंसर्न विथ हाउ द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी असिस्ट. आउटकम मेजर्ड इन दिस एग्जांपल दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग टू डेवलप एम्प्लॉइज एफिशिएंसी. सो अंडरस्टैंड योर कंट्रोल ग्रुप. अब आपका कंट्रोल ग्रुप क्या है. अ कंट्रोल ग्रुप इज सिमिलर टू सब्जेक्ट ग्रुप बट इट इज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट. सिमिलर टू जो है सिमिलर होना चाहिए लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला. इट इज द पॉपुलेशन दैट सब्जेक्ट ग्रुप इज कंपेयर टू. इन दिस एग्जाम्पल द कंट्रोल ग्रुप इज नॉन ट्रेन्ड एम्प्लॉयज. जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है वो एम्प्लॉयज यानी यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप हो गया या सब्जेक्ट ग्रुप. ठीक है.
सो फाइनल स्टेटमेंट उसमें क्या हो गया, दोज कंपनीज गिव्स ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स इंप्रूव्स देयर वर्कर्स एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल, और ट्रेनिंग इंप्रूव्स वर्कर्स एफिशिएंसी एंड इट इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट. ये अपना फाइनल स्टेटमेंट हाइपोथेसिस का हो गया. लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है ये आपके ध्यान में अभी आया होगा कि एक सेंटेंस में ऐसे आपने उठा के कोई भी सेंटेंस ले लिया और उसको हाइपोथेसिस बना दिया तो वो गलत होगा. और इसमें H1 मैंने जो अभी लिखा है वो H1 का H1 जो है वो सफिक्स में होना चाहिए. सो यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने दिया है, इसका आपको स्टेटमेंट आपको करना है. डिफाइन द प्रॉब्लम इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ. आस्क क्वेश्चन डज स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर. इफेक्ट देखिए, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं. लिटरेचर रिव्यू से मुझे पता चला कि लंग कैंसर हो सकता है. एक मुझे वेरिएबल्स वहां पे मिल गया तो ये वेरिएबल लेके मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में डाल दिया. स्मोकिंग मे कॉज लंग कैंसर. ठीक है, पहला क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ. इसके ऊपर मुझे मैंने लिटरेचर रिव्यू करने के बाद एक पता चला कि लंग कैंसर हो सकता है. फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि डज स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर. फिर उस स्टेटमेंट को मैंने कॉजल या कंडीशनल स्टेटमेंट में डाल दिया कि स्मोकिंग मे कॉज लंग कैंसर. फिर उसको इफ एंड देन में मैंने फॉर्मेट किया कि इफ स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर देन अ पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली हैव मोर चांस टू डेवलप दिस डिसीज. इफ स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, ये जो क्वेश्चन मैंने कॉज में डाला था या कंडीशनल स्टेटमेंट में डाला था ये मैंने इफ में लिया. देन में मैंने क्या किया, देन अ पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली हैव मोर चांस टू डेवलप दिस डिसीज. ये हो गया हाइपोथेसिस. लेकिन उसमें मुझे कंट्रोल ग्रुप भी डालना है, इसलिए वेरीफाई द ट्रीटमेंट फॉर एक्सपोजर. हियर एक्सपोजर इज स्मोक और स्मोकिंग. अब स्मोकिंग ये अगर एक्सपोजर है तो प्रिपेयर फॉर आउटकम मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकर्स. जितने ज्यादा बार आप स्मोक करेंगे उतना आपका अंडरस्टैंड यहाँ पे ये हो गया, आउटकम हो गया. फिर कंट्रोल ग्रुप क्या है, नॉन स्मोकर्स. जो स्मोक नहीं कर रहे उस नॉन स्मोकर्स यहाँ पे होगा. तो फिर फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा आपको बताना है. आप बना के रख दीजिए, मैं सेमिनार में पूछूंगी. ठीक है, सो रिमेंबर हाइपोथेसिस कैन बी एडजस्टेड रिफाइंड चेंज्ड एज मोर इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड. जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना लिटरेचर रिव्यू आप करते जाओगे, उतने आपके हाइपोथेसिस और ज्यादा अच्छे से फ्रेम होंगे. लेकिन बिफोर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और स्टडी स्टार्टेड, एक बार आपका स्टडी स्टार्ट हो गया उसके बाद हाइपोथेसिस को मत चेंज करिए. जब तक क्या है, आपका पूरा स्टडी शुरू नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं होता है या डेटा कलेक्शन शुरू नहीं होता, तब तक आप अपने हाइपोथेसिस को रीफ्रेम कर सकते हैं. चलो, सो प्रैक्टिकल फ्रेम ऑफ हाइपोथेसिस, डू स्मॉल पायलट स्टडी बिफोर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. जो भी हाइपोथेसिस आपने लिया है उसके ऊपर डेटा मिलता है कि नहीं मिलता, उसके लिए आप छोटा सा पायलट स्टडी करिए. 10-12 लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछिए. अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, अच्छे से डेटा मिल रहा है, तो हाइपोथेसिस आपका अच्छा बन गया है. डू रिव्यू ऑफ लिटरेचर बिफोर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. टेक ओनली 2 or 3 हाइपोथेसिस, जितने भी आपके वेरिएबल्स है उसके हिसाब से, लेकिन कम से कम 2 or 3 होनी चाहिए. हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट, सो राइट इन द इन्वर्टेड कॉमास. इफ देयर आर मोर देन वन हाइपोथेसिस राइट इट्स प्लूरल फॉर्म, जैसे मैंने बताया था. इफ योर हाइपोथेसिस इज अल्टरनेटिव डू नॉट राइट इट्स नल फॉर्म इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यूज इट ओनली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. बहुत बार लोग क्या करते हैं, उनका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसके नीचे नल हाइपोथेसिस लिख देते हैं, तो प्रेजेंटेशन में देने की जरूरत नहीं है. जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, कोई भी स्टैटिस्टिक्स वो नल हाइपोथेसिस पे लगता है. रिग्रेशन एनालिसिस तो नल हाइपोथेसिस पे ही लगता है. तो इसलिए जब आप हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे या उसका प्रेजेंटेशन करेंगे तब ही आपको नल हाइपोथेसिस लिखना है. या जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक लिखेंगे, उसमें आपको नल हाइपोथेसिस लिखना नहीं है अगर आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो. टेक ओनली 1 नल हाइपोथेसिस इन रिसर्च वर्क, ये मेरा सजेशन है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है. लेकिन अगर आपको नल हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा लिखना है तो मैंने बताया कि उसका इफेक्ट नेगेटिव जाता है.
सो पायलट स्टडी क्या है? पायलट स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ द रिसर्च फील्ड टू फाइंड आउट द फैक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. अ गुड रिसर्च शुड बी डिफाइन डेफिनेट हेल्प इन अचीविंग ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी थ्रू पायलट स्टडी. पायलट स्टडी शुड मेड बिफोर डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम. इसका फोटो निकाल के रख दीजिए पायलट स्टडी का. वॉट इज द पायलट स्टडी? सो थैंक यू सो मच. यहाँ तक समझ में आ गया सबके? मैंने वो पायलट स्टडी वाला पेज एक बार कर दिया, फोटो नहीं ले पाया. अरे बापरे, मैंने बंद कर दिए ना पीपीटी. किसी ने निकाला होगा फोटो तो शेयर कर दीजिए प्लीज ग्रुप पे. चलो अपने को वाइंड अप करना है 5 बजे तक. और नहीं हुए ना? No, ma'am. It was really very good. But it is interesting actually. Yes. Interesting हो रहा है. चलो thank you so much. मुझे पता लगता है क्योंकि रिसर्च ये टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा बोर होता है बाद में, लेकिन इतना डिटेल देखिए ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये किसी बुक में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा. ये सारा मैं अपने जो एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके उससे आपको बता रही हूँ. जो भी डेफिनेशंस और ये मैं बता रही हूँ कि ये आपको आएगा, तो ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो मैंने बुक से लिया है, लेकिन बाकी का जो मैं बता रही हूँ आपको ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ. तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि आपसे मैं शेयर कर रही हूँ और आपको बोर नहीं हो रहा, ये भी अच्छा है. मैम बट लाइक माय रिसर्च इज इन इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी जा रही है सब समझने में, उनको रिलेट करने में अपने रिसर्च के साथ में. अच्छा, तो आपका हाइपोथेसिस नहीं होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे. हाँ मैम, ऑब्जेक्टिव्स ही हैं. हाँ, तो ऑब्जेक्टिव पर, हाँ ऑब्जेक्टिव को ही आप वहाँ पे फुलफिल हुआ है नहीं हुआ है वो लिख सकते हैं आप. आप नहीं वापस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करेंगे. हाँ मैम, वही मुझे थोड़ा सा करेंगे. या तो मुझे वही लग रहा था कि जो मैंने किया है वो कितना राइट है. नहीं, ये देखिए ये सभी को नहीं होता, आपके ह्यूमैनिटीज का अलग ही है पूरा रिसर्च का. तो अभी देखिए ये आपका अलग आखिरी वाला शायद प्री पीएचडी कोर्स वर्क होगा जो एक कॉमन हो रहा है सबके लिए. इसके बाद फैकल्टी वाइज होने वाला है. अच्छा, यस मैम, मला ही तेच म्हणायचं आहे की ऍक्च्युअली आता हा जो पूर्ण कोर्स वर्क आहे आम्ही हिस्ट्री मध्ये रिसर्च करतोय, अगदी म्हणजे आमच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड असं काहीच नाही, जसं की आम्ही आउटसाइडर आहोत असंच वाटतं कोर्सला याच्यामुळे. पण त्याच्यामध्ये नाही, देखिए आपके संबंध में ऐसा है कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए या टाइटल फॉर्मेशन बताए, तो आपके टाइटल आपके सब्जेक्ट को भी लागू होता है. असं बऱ्यापैकी येतं मॅडम. आणि माझं हायपोथेसिस वर मला हे विचारायचं होतं की तसं तर आमच्या हिस्टॉरिकल मेथोडॉलॉजी मध्ये आता हे नल हायपोथेसिस आणि असं काही म्हणजे माझ्या वाचनात नाही आलेलं किंवा असं ऐकलंय, तर माझं हायपोथेसिस सिंगल लाईन स्टेटमेंट आहे मॅडम. बरोबर आहे ना? एकच स्टेटमेंट आहे. तुमचं स्टेटमेंट असतात ते अझम्पशन, त्याला तुम्ही हायपोथेसिस नाही म्हणायचंय, त्याला गृहित तथ्य म्हणायचंय. तुमचं मराठी काय? गृहित तथ्य. हा मॅडम, मराठी तथ्य. आता ती फॅक्ट आहे, इट्स अ फॅक्ट. हिस्ट्री आहे ना ती? यस, ती हिस्ट्री आहे की नाही? तर ती फॅक्ट आहे ना, ऑलरेडी ते त्याच्यावरती ते होऊन गेलेलं आहे. आपण हायपोथेसिस म्हणजे जे होणार आहे त्याच्यावरती विचार करतो. बरोबर आहे? हा, म्हणजे हायपोथेसिस त्याला गृहितक असं म्हणतात, जर ते तुम्हाला भविष्य काळासाठी करायचं असेल तर. पण ते जर आता तुमचं गृहित, यस गृहित तथ्य लिहू का मॅडम त्याला? हा, गृहित तक नाही लिहायचं, गृहित तथ्य लिहायचं. मराठी असेल तर गृहित तथ्य. ओके ओके. हायपोथेसिसला परिकल्पना पण म्हणतात. तथ्य आहे ना, तथ्य म्हणजे फॅक्ट, ती आहे ना ऑलरेडी. ऑलरेडी आहे ती, फक्त ते तुम्ही स्टेटमेंट मध्ये मांडताय की असं असं आहे असं तुम्ही मांडताय. यस यस यस, है ना? मग ते हिस्ट्री काय असेल, सोशियोलॉजी असेल, पॉलिटिकल सायन्स आहे, कुठल्या पण सब्जेक्ट साठी हे लागू होत. फक्त थोडासा फरक असतो, बाकी सगळं सेम आहे. शेवटी रिसर्च आहे तो. यस मॅम. मॅडम, परिकल्पना पण म्हणतात.
परिकल्पना म्हणतात, पण परिकल्पनापेक्षाही आपण थोडस त्याच्यामध्ये फॅक्ट्स घेतो ना. परिकल्पनात फॅक्ट्स नसतात, हा म्हणून त्याला परिकल्पना म्हणत नाही. आजकाल आता आपण त्याला गृहित तथ्य असंच म्हणायला लागलोय. जर फॅक्ट्स असतील तर गृहित तथ्य, जर भविष्य काळासाठी आपण शोधून काढणार असू तर गृहितक असं म्हणतात. ठीक आहे, रिसर्च डिझाईन वर जायचं आपण आता. हा, इसका फोटो निकाल के रखिए. रिसर्च डिझाईन इज अ कॅटलॉग ऑफ द व्हेरियस फेजेस अँड फॅक्ट्स रिलेटिंग टू द फॉर्म्युलेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडिशन्स फॉर कलेक्शन अँड अनालिसिस ऑफ डेटा इन अ मॅनर दॅट एम्स टू combine relevance to the research purpose with economy in procedure. Data collection साठी आपण कुठले मेथड्स घेणार आहोत, कशा पद्धतीने आपलं पूर्ण रिसर्च होणार आहे कम्प्लीट, किस टाइप का हमारा पूरा रिसर्च होगा, ये जिस इसमें बताते कैटलॉग में हम लोग बताते हैं उसको हम लोग रिसर्च डिजाइन कहते हैं. क्योंकि हमें इसमें पैसा भी बचाना है, क्योंकि बहुत सादा पैसा लगता है रिसर्च के लिए. सो ड्रॉइंग एक्यूरेट कंक्लूजन्स, डेटा कलेक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन एंड क्रिएटिंग इंक्वायरी टेक्निक्स, ये नीड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन है. इसेंशियल फैक्टर्स क्या है, स्कोप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड डिटर्मिनिंग टाइम लिमिट, क्योंकि बहुत कम टाइम लिमिट में कम समय में हमको पूरा रिसर्च कम्प्लीट करना है. ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, recording sources of data, base of sample selection, base of classification and estimation of expenditure. Types of research design hai, char type ke hai, main aapko yahan pe ek bataungi. Pehla exploratory or formulative research, jise maine abhi bataya tha aapko, ye kya hai, photo mein kya dikh raha hai aapko, commodity market. मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने सीताबर्डी का जो एक सर्वे किया था तो उसका ये फोटो है. सो और ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके इस स्टडी को मुझे मलेशिया में बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था. तो वहां जाके खड़े होके पूरा मैंने पूरा स्टडी किया है और उनकी पूरी देखी है मैंने कि कैसे वो लोग करते हैं. So study carried out objectively to know or to find out the nature of event or incidents, the fact or reality of incidents, causes behind the incidents, effects of the incidents, and for the study which research structure is made by the researcher is called exploratory or formulative research design. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, information explore करना है. ये बाकी लोगों को कुछ पता नहीं, हम लोग देख रहे हैं, सबको पता है, सब लोग जाते हैं इतवा ये संडे मार्केट में, सीताबर्डी के संडे मार्केट में हम लोग सब जाते हैं. हम लोग वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं, वहाँ पे भाव करके मोल भाव करके पूरा वहाँ पे खरीदारी करते हैं. लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, उसका इफेक्ट क्या होगा रिटेल मार्केटिंग के मार्केटिंग पे, इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं है. तो एक रिसर्चर हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो न देखे कवि वो देखे, जो न देखे रवि वो देखे कवि, ऐसा रिसर्चर का भी आई साइट होना चाहिए कि जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है वो रिसर्चर को दिखना चाहिए कि अरे इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, जो ये सामान लेके बैठा है उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या होगा. तो ये सारा वहां पे एक करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिसर्चर डेवलप करता है उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं. शुरू में जब हम लोग शुरुआत करते हैं रिसर्च के काम के लिए, कोई भी एक हजार रिसर्च पेपर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे करके देखिए, हमको कुछ पता नहीं है उसके बारे में. हम लोग कोई फिनोमिना देखते हैं, हम लोग कोई इंसिडेंस देखते हैं, हम लोग उसके बारे में सोचते भी है लेकिन उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते कभी. तो अगर शुरुआत करनी है रिसर्च के लिए तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जाइए, वहां जाके देखिए ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन करके हाइपोथेसिस बनाइए, फिर उसके ऊपर आप अपना कुछ वहाँ पे कंटेंट्स डेवलप करिए, एक थ्योरी डेवलप करिए और एक रिसर्च पेपर डाल दीजिए 4-5 पेजेस का, देखिए आपको कितना मजा आएगा. तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और उसका जो डिजाइन है, एक जो स्ट्रक्चर है, वो आपको खुद को ही वहाँ पे डेवलप करना है. उसका कुछ भी वहाँ पे
जो डिजाइन है वो स्टैंडर्ड डिजाइन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो अगर रिसर्च वहां पे करते हैं उसको एक्सप्लोरेटरी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर ये भी करना जरूरी है उसमें, एक्सपीरियंस सर्वे वहां खुद जाके देखना है, और एनालिसिस ऑफ इवेंट गिवन इनसाइट, जो दिख रहा है उसका एक इनसाइट खुद को भी होना चाहिए। वहां पे जैसे एक इनसाइट मुझे वहां पे हुआ कि अरे ये बार्गेनिंग करने मजा आता है लोगों को, बार्गेनिंग हंसते हंसते 1000 रुपए की वस्तु मेरे को 100 रुपए में देके गया, तो मुझे लगता था कि अरे इसे इसको ऐसे कैसे ये दे सकता है, 1000 रुपए की वस्तु 100 रुपए में कैसे देख सकता है, 900 रुपए का नुकसान कौन करेगा, उसमें उसका क्या फायदा है। फिर जाके मैंने उनको बोलने की यानी पूछने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, कितना वो नुकसान हो रहा है वो ये पूछने की कोशिश की बहुत बार। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बड़े बड़े कंपनी वाले लोग होते हैं उनका कुछ माल ऐसा होता है, इनसाइट देखिए क्या होता है, हाँ उनका कुछ माल ऐसा होता है कि जो एक्साइज ड्यूटी दे के बाहर आता है मार्केट में, जो सेल्स का सेल्स टैक्स भर के भी वो लोग वहां पे देते हैं, कुछ माल ऐसे होता है कि जो ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो दे के नहीं आता है, वो चुपचाप निकाल लेते हैं किसी और तरीके से, ऐसा जो मार्केट में माल आता है ये हॉकर्स वहां पे खरीदते हैं। और वो जैसे आप मुंबई में भी जाएंगे, बहुत बड़े बड़े शहरों में आपको ऐसे मार्केट दिखेंगे कि जहाँ पे दुकान में जो भाव है उससे बहुत सस्ते माल में आपको रास्ते में मिलेंगे, तो इनको ये कैसे वहाँ पे प्रॉफिटेबल होता है उसकी इनसाइट आपको वहां पे क्रिएट करनी है। तो एनालिसिस ऑफ इवेंट गिविंग इनसाइट, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका खुद का एक्सपीरियंस करके कुछ इनसाइट आपको होता है, तो वो भी उसका भी एनालिसिस होना एक्सपेरिमेंटल या सॉरी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में जरूरी है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस इन रिगार्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड, मेक अट्रैक्शन ऑफ रिसर्चर टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम, गिव सपोर्ट टू हाइपोथेसिस इन अननोन एरिया, हेल्प टू रिसर्च वर्क एंड बीइंग ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन द रिसर्चर, सपोर्ट टू डेवलप साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्चर के कॉन्फिडेंस के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से और दूसरा कोई चांस नहीं है। आपका अगर रिसर्च में कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है तो एक्सप्लोर करिए इन्फॉर्मेशन, दिखती है इन्फॉर्मेशन जाके ऑब्जर्वेशन करके हाइपोथेसिस बना के लिख डालिए उसको, तो देखिए कितना मजा आता है रिसर्च में। अब आपको ये क्या दिख रहा है, रेनबो, और क्या है, हाँ और क्या है, ग्रास है, और क्या है, पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है। इथे मराठी वाले नहीं है का कोणी, आहो आहो मॅडम, सांगा ना मग काय दिसतंय तुम्हाला, इंद्रधनुष्य आहे, इंद्रधनुष्य, अजून परत मारण, मारण बालकवींची कविता नाही आठवली का, श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोरीकडे क्षणात पसरे सरस, हा काय क्षणात, काय क्षणात येते शिरवी सरसर, क्षणात फिरून ऊन पडे, ऊन पडे बरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधिले नभू मंडपी कुणी भास, बरोबर आहे, त्यांनी वर्णन केलंय, त्यांनी काय केलंय, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, प्रॉब्लेम क्या क्या प्रॉब्लेम है, इतना सुंदर दिख रहा है ये क्या है, तो वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणला, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लेम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये मराठी में होता है इंग्लिश में भी होता है, आप मराठी इंग्लिश वाले बोल रहे थे ना, हमारे हमारे लिए कुछ नहीं है, ये आपके लिए है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं आपको, जो भी आपको रियल डेटा मिल रहा है, जो भी आप कादंबरी के बारे में कर रहे हैं या कोई स्टोरी के बारे में कर रहे हैं या कोई बुक के बारे में लिख रहे हैं आप, है ना, आप नॉर्मली मराठी इंग्लिश के ऐसे ही होते हैं, तो उसका आप वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे आप, तो बेसिस ऑफ रियल डेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, इन दिस डिजाइन द डेटा वॉज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स, हाँ इसमें साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक होती है, जो भी आप अगर कोई पोएम ले रहे या कोई बुक ले रहे
तो उसकी जो आप डेटा कलेक्शन करेंगे या इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन आ लेंगे, वो उसका साइंटिफिक टेक्निक होना चाहिए, तो ही आपका रिसर्च वहां पे एक साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है. ऐसा नहीं कि लैंग्वेजेस में साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता, ठीक है. लेकिन हमारे सोशल साइंसेस में भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है. जो भी हमको रियल डेटा मिल रहा है उसका सिर्फ हम लोग डिस्क्रिप्शन करते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो भी हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन बन जाता है. सो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस्ड अप्रोच एंड इकोनॉमी, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के कंडीशन होते हैं. स्टेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, ये हमारे स्टेजेस है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के. ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स इन साइंटिफिक मैनर, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, नॉलेज गेनिंग, नो द प्री स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट गिविंग द सॉल्यूशन ऑन द प्रॉब्लम. देखिए पहले दो इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दोनों में हमको सॉल्यूशन नहीं देना है. हम सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है और उसका एक वर्णन कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. लक्ष्य भेद, लक्ष्य भेद, अजून धनुष्य और निशाना लग रहा है. यस, डिस्टरबेंस, जिमे आग लग रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्ट. आजू बाजू में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आजू बाजू में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आग लगी हुई है लेकिन वो हट नहीं रहा अपने जगह से. फोकस्ड, फोकस्ड है, शाबाश. तो ये हमारा इफ इन रिसर्च, रिसर्चर ट्राइज टू नो द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑन इट, इट्स कॉल्ड अ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन. वो ऐसा निशाना लगा के रखा है कि वो उसको वहां पे लेके ही रहेगा. डायग्नोस्टिक रिसर्च, डायग्नोस कर रहा है, जिसने भी आग लगाई है उसको निशाना लग रहा है और लगा रहा है उसको खत्म करने वाला है, ठीक है ना. तो कितना भी डिस्टर्बेंस हो आपके आजू बाजू में, कितनी भी आग लगी हो, 44 अभी 44 है आज का टेम्परेचर, 44 भी है तो भी हम लोग ऑनलाइन बैठे हुए एसी में लेकिन काम कर रहे हैं, है ना. तो इफ इन रिसर्च, रिसर्चर ट्राइज टू नो द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑन इट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन. इन दिस स्टडी कॉजेस आर फाइंड आउट साइंटिफिकली एंड सॉल्यूशंस आर आल्सो बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी. ये साइंस में भी होता है और आजकल हमारे सोशल साइंसेस में भी हो रहा है, ठीक है सर. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, डेटा कलेक्शन, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड फाइंडिंग ऑफ द रेमेडी, उसमें भी सॉल्यूशन हमको देना है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है. कंट्रोल्ड सिचुएशन है, त्याला हालता येत नाही, उसको वो वहां पे बैठा उसको वो हिल नहीं सकता. सो कंट्रोल्ड सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड सुपरविजन, सब लोग सुपरविजन कर रहे. सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ सोशल इंसिडेंट्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. सब लोग देख रहे होंगे बजा के कि उसको नॉइस पोल्यूशन कितना होता है, उसका एक क्या बोलते हैं, उसका टॉलरेंस लेवल कितना है. हाँ. ये उसका वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे, उसको बोलते हैं ये लेबोरेटरी मेथड है, लेकिन आजकल इसमें भी हो रहा है, अपने सोशल साइंसेस में भी हो रहे हैं एक्सपेरिमेंटल. प्री एंड पोस्ट वो जो आजकल आते हैं ना, हेल्थ रिलेटेड, स्लिम वाले, वेट लॉस वाले, जिम वाले, ऐसे फोटोज आते हैं ना, आपने देखे है क्या, प्री एंड पोस्ट वाले? हाँ मैडम, हाँ. हाँ, इस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं. मेथड ऑफ सिलेक्शन, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप. टाइम फॉर मेजरमेंट, एक टाइम होता है, डिफिनेट पीरियड होता है, ऐसे नहीं कि चलता रहा, उसका एक पीरियड होता है. अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को डिफाइन करना पड़ता है और एविडेंस ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन फीचर्स ऑफ वेरिएबल्स, इंटर रिलेशंस, वो कॉजेस को हमको देखना है. जैसे वेट लॉस के लिए
एक तो जिम करो या फिर एक्सरसाइज करो, फिर उनका वो जो डाइट है वो लो। अगर वो डाइट बंद हो जाता है वो टाइम अगर वो मैनेज नहीं होता है तो क्या होगा वगैरह वगैरह, जो इंटर उनका रिलेशन है ऐसे किया तो ही ऐसे होगा, ऐसे वाला जो है उसको एविडेंस ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन फीचर्स एंड वेरिएबल्स कहते हैं। सो पोस्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन, जैसे मैंने बोला आफ्टर एंड बिफोर मेजरमेंट, एक्सपो फैक्टो मेथड, ये तीन मेथड्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये एक नया शुरू हुआ है, चार ही बेसिकली है, आपको एग्जाम को चार ही आएंगे, एक पांचवा मैं आपको बता रही हूँ रिसर्च डिजाइन। क्या आपको दिख रहा है ये सब? तीन हाँ मैम डिस्प्ले, हाँ मैम दिख फोटो रहा है, तीन ही फोटो में सरदार है। आपके ग्रुप में कोई सरदार तो है ना? नहीं हाँ नहीं, अगर होते भी तो सॉरी, मैं एक आपको एक यही दे रही हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को हर्ट नहीं करना है मुझे। तो देखो तीनों सरदार यहाँ पे बैठे हुए तीनों है इसमें फोटो में। तो दो पहले फोटो में तो आपको दिख रहा है कि दो सरदार है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहला सरदार दूसरे सरदार को पूछ रहा है कि व्हाई आर यू बरिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। वो ड्राइविंग लाइसेंस वो वहां पे गड्ढे में डाल रहा है, तो वो बोल रहा है कि क्यों डाल रहा है, तो वो बोल रहा है कि इट इज एक्सपायर्ड। ठीक है, अब दूसरे फोटो में आपको दिख रहा है कि एक सरदार जो है वो वहां पे होटल मालिक है और उसके यहाँ ग्राहक आया हुआ है और उसके सामने कुछ खाने का रखा हुआ है। तो वो ग्राहक जो है उसको पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस, क्या है ये। तो वो बोल रहा है कि मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट मॉर्निंग बिकम्स टाइट। उसको सीधा सीधा नहीं बोल रहा है कि कर्ड है या दही है, वो दही है। बोल रहा है कि हाँ। तो यानी दो दूसरे फोटो में भी सरदार जो है वो ऐसे उठपटांग बात कर रहा है। तीसरे फोटो में आप देखिए कि वो खुद ग्राहक है और दूसरे दुकान में गया है, कर्टन की शॉप है, वहां जाके वो पूछ रहा है कि कैन आई हैव कर्टन फॉर माई कंप्यूटर, आई बॉट विंडोज फॉर माई कंप्यूटर। तीसरे इसमें भी जाके वो थोड़ा सा उठपटांग बात कर रहा है। तो इसमें से एक पैनल वहां पे दिख रहा है, एक वहां पे पैटर्न दिख रहा है, और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक सरदार जो है वो शायद इस तरह से ही बात करता है। शायद मैंने बोला, सभी को नहीं बोला, शायद इस तरह से ही बात कर रहा है, करता है। ये हमारा क्या हो गया, एक हाइपोथेसिस हो गया। फिर हम लोग और ज्यादा उन लोगों का, उसी टाइप के लोगों का अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे या फिर उनकी वहां पे जो एक बिहेवियरल स्टडी है वो अगर करेंगे, तो ये हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो यहाँ पे रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है ये हमको पता चलेगा। तो इसको बोलते हैं पैनल स्टडी, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। डिटर्मिनेशन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ टू इंसिडेंट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम, अ स्टडी इज मेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड पैनल स्टडी। ऐसे नहीं है कि दो चार महीने में, दो चार साल में होगा, बहुत ज्यादा टाइम तक ये हमको करना है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। इन दिस मेथड स्टडी वॉज अ मेड द सेम ग्रुप और सैंपल्स इन फ्रीक्वेंटली एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सैंपल भी हमको सेम चाहिए, सेम ग्रुप या सेम सैंपल चाहिए, ऐसे नहीं कि सैंपल बदल रहा, सेम सैंपल पे हमको बहुत ज्यादा समय तक इसके ऊपर काम करना है। तो यूज कहाँ पे होता है, मिलिट्री में होता है प्रमोशन के लिए, फैक्ट्री में वेजेस इंक्रीमेंट्स के लिए होता है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम लोग इंटरनल असेसमेंट करते हैं, हम लोग बहुत बार बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और एक आध बार अगर उनका कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो सॉल्व करने के लिए, या उनके असाइनमेंट्स के लिए भी, हम लोग इंटरनल असाइनमेंट्स के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंट प्रमोशन में होता है आजकल। सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज, देखिए आप लोग जाते हैं तो एक क्या आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या क्या आप अगर होटल में गए तो किस चीज का ज्यादा ऑर्डर देते हैं, इसकी एक यहाँ पे आप मैनुअल वहां पे होता है और उसके ऊपर से वो स्टडी करते हैं। और मार्केट्स में डिमांड इलास्टिसिटी देखने के लिए भी पैनल स्टडी किया जाता है कि कौन सी अगर प्राइस बढ़ गई है तो कंज्यूमर्स क्या वहां पे डिमांड कर रहे हैं, कैसे डिमांड कर रहे हैं, इसका भी स्टडी वहां पे होता है। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है पैनल स्टडी, लेकिन अभी तक हमारे कोर्स में नहीं आया है, कम कोर्स में चार ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ मैं। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन्स। पहले तो होना चाहिए टॉपिक ऑफ द रिसर्च, आपको रिसर्च डिजाइन का एक टॉपिक लिखना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का।
उसमें आपको ये सब लिखना है, नेचर ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन ऑफ द बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल जियोग्राफिकल कंटेंट्स ऑफ द स्टडी, कंसेप्ट एंड हाइपोथेसिस, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डेटा, सर्वे पीरियड कितना है आपका, और लिमिटेशंस, ये आपका रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक में जाएगा। इसका फोटो निकाल के रखिए। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? मैम यस मैम, कैन यू सजेस्ट अ वेरी गुड सिंपल बुक इन विच द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर फॉर रिसर्च डिजाइन बुक, अ गुड ऑथर? गुड ऑथर आपको किस पे है आपका? मैम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। कॉमर्स में, इंग्लिश में चाहिए ना? यस मैम। कॉमर्स का तो कॉमर्स के लिए मराठी में मेरा है, अभी मैंने खुद लिखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। लेकिन इंग्लिश रूबिन एंड बेबी का और लालदास सर का भी बुक है ना इंग्लिश में? पांडरकर का भी है शायद। हाँ, पीएल भांडारकर सर का भी है। वो भी एक अच्छा बुक है, आप देख सकते हो। और मेरे कुछ वीडियोस है जो मैंने इंग्लिश हिंदी में बनाए हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं प्रीति मैडम से शेयर करूंगी, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे। सेम जो मैं आज मैंने बताया वो उसका पूरा आपका वीडियो यूट्यूब पे बनाए हुए आप देख सकते हो। यूट्यूब है हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे, कॉलेज यूट्यूब चैनल पे है सिपेंड बरार, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो सिपेंड बरार के, इस पे मेधा कनेक्ट कर, आपको ये तीनों चारों वीडियोस मिल जाएंगे पूरे। मैम आज के प्रेजेंटेशंस आप मैम को सेंड कर देंगे ना? अभी तक तो नहीं, जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब वो रिकॉर्ड करके रखते हैं मैडम। ओके। और मेरे ख्याल से प्रीति मैडम के भी यूट्यूब चैनल पे मेरे प्रेजेंटेशन है। मैम विद एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो प्रेजेंटेशंस चाहिए थे मुझे। शायद होंगे मैडम के पास, आप पूछे उनको, क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशन में एग्जांपल कुछ नहीं है, जो भी मुझे जैसे बात करते करते मुझे जो भी लगता है कि ये बताना चाहिए वो बता देती हूँ मैं। जी वो पिक्चर्स एंड ऑल जो आपने आज। अच्छा हाँ, नहीं वो होंगे शायद, मैडम ने जो रिकॉर्ड किया है उसमें होंगे। ओके मैडम, रिकॉर्डिंग मध्ये सगळं सेव होतं आहे, यांना वेगळे प्रेजेंटेशन्स का हवं आई डोंट नो। और वीडियोस में तो सारी चीजें रिकॉर्डेड है, स्क्रीन पे जितनी भी चीजें होती है एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्ड। आप देखिए, आपके भी यूट्यूब चैनल पे आपने डाले हुए बहुत सारे लोगों के। यस 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 मैडम, इट इज ऑलरेडी देयर। मेरे भी कुछ वीडियोस है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये तीन वीडियोस मैंने अभी बनाए हैं। और अगर होता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं प्रीति मैडम के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ, यूट्यूब पे है वो। मैडम आप मैम त्याची लिंक शेयर करून द्याल, मी पार्टिसिपेंट्सला पाठवून देईल। चालेल चालेल, ओके। मैडम सेमिनार बद्दल काही सांगायचंय तुम्हाला? म्हणजे कॉमर्स मॅनेजमेंटचे आपण 27 तारखेला घेतो आहे। अच्छा, तुम्ही एक्सप्लेन केलंच आहे की काय काय पॉइंट असायला पाहिजे, स्लाइड वाईज कसं पाहिजे तेवढं फक्त सांगून द्याल। स्लाइड 7 ते 8, कारण प्रत्येकाला 7 मिनिटं देऊ आपण, मग 2-3 मिनिटं लागतातच त्यांचे प्रॉब्लेम्स असतात। येस, 3 मिनिटं प्रत्येकाला 10 मिनिटं असं लागतात, किती आहेत मॅडम आपल्या याच्यामध्ये? जस्ट अ मिनिट, 7-8 जण आहेत। हा म्हणजे 80-90 मिनिटं लागतील ना? हो हो, मी 2 तास ठेवले आहे, 1.5 ते 2 तास। हो, मग काही हरकत नाही, कारण मग नंतरही त्यांना सांगावं लागतं। तर त्याच्यामुळे 7 स्लाइड ठेवा, त्याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह, हायपोथेसिस आणि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सॅम्पलिंग, या गोष्टी आल्या पाहिजे।
डेटा कलेक्शन झालेला आहे त्यांनी थोडं अनालिसिसचं पार्ट दाखवलं तरी हरकत नाही. ठीक है पार्टिसिपेंट्स आप ध्यान में रखिए क्योंकि इस चीजों पे मार्क्स से तो बहुत बार मैडम ने बताने के बाद भी पार्टिसिपेंट्स गलतियां करते हैं और तो उसमें उनके सेमिनार्स में मार्क्स डिडक्ट होते हैं. आज जो भी 3 घंटा मैडम ने पढ़ाया बहुत अच्छे से डेप्थ में सिंपल लैंग्वेज में शी हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. आप लोगों को इसको जस्ट लेक्चर नहीं लेना है. ये सारे जो पॉइंट्स मैडम ने कवर किए हैं ये आपको इम्प्लीमेंट भी करने हैं नॉट ओनली इन योर अपकमिंग प्रेजेंटेशन बट वाइल राइटिंग योर थिस इज ऑल्सो. तो ये सारी गलतियाँ आप लोगों को रूल आउट करने के लिए ही ये लेक्चर दिया था. तो आप सेमिनार में भी ध्यान में रखिए. हमने लास्ट बैचेस में भी देखा कि इतना बताने के बावजूद भी बहुत सारी गलतियाँ प्रेजेंटेशंस में होती है और उस वक्त मैडम फिर से करेक्शंस बताते हैं लेकिन आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं सेमिनार के इसमें. तो आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखते हुए ये सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करिए. ठीक है मैम. मैडम अगर डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है तो इंट्रोडक्शन एंड मेथोडोलॉजी का पार्ट और जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं ना. हाँ इंटरव्यू शेड्यूल भी नहीं बताया तो भी चलेगा. आपका ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस और ओके मेथोडोलॉजी का पार्ट अगर प्रेजेंटेशन में रखते हैं तो पूरा बताना है क्योंकि मेथोडोलॉजी का ही है ना अपना जो चल रहा है कोर्स वर्क ये मेथोडोलॉजी का ही है. Yes, तो आपको yes. मेथोडोलॉजी समझ में आई है या नहीं आई है ये देखना है. ओके थैंक यू मैम. और किसी को कुछ क्वेरी होगी तो पूछिए. मॅक्झिमम मी सगळं केलेलं आहे. या वेळेला थोडं आपण मध्ये मध्ये आपण ज्या स्टोरीज घेतो त्या नाही घेतल्या ना. मी पहिली एकच स्टोरी घेतली म्हणून लवकर झालं. अजून काही मध्ये कुठे ब्रेक नाही झाला जास्त नाही तर मला इंटरनेटचा जनरली आपला तो टेक्निकल प्रॉब्लेम येत होता आता व्यवस्थित झाला. ते सुरुवातीला असं वाटतं आवाज ब्रेक झाला तर पण मग झालं व्यवस्थित. येस येस और कुछ पूछना है मैम. सिनॉप्सिस मध्ये जी रिसर्च मेथोडोलॉजी घेतली आहे त्याच्यावर पूर्ण सेमिनार घेतला तर चालेल ना. चालेल म्हणजे मला तुम्ही काय चुका केलेल्या आहेत ते पण कळेल त्याच्यामध्ये. हे पहा आणि असं मी आताच सांगितलं की टायटल मध्ये तुम्ही चेंज करू शकता चेंज नाही करू शकत पण बाकी सगळ्या गोष्टींमध्ये हायपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्ह इवन सॅम्पल साईज असं काही तुमचं जर चुकलेलं असेल तर त्याच्यात आपल्याला चेंजेस करता येतात. आणि असं नाही आहे की मी सांगेन ते फायनल. तुम्ही तुमच्या गाईडशी पण त्याच्यावर चर्चा करू शकता की आम्हाला सेमिनारमध्ये असं असं सजेशन्स आलेले आहेत तर आपण असं करायचं का असं तुम्ही तुमच्या गाईडशी चर्चा करा. पण काय असायला पाहिजे म्हणजे ऍज अ म्हणजे युनिव्हर्सिटीचं रिप्रेझेंटेशन तुमच्या थेसिस मधनं होणार. नागपूर युनिव्हर्सिटीचा थेसिस आहे आणि तो बाहेर तपासायला जातो. नागपूर युनिव्हर्सिटीच्या बाहेर तपासायला जातो. एक जाईल आहे महाराष्ट्रात कुठेतरी आणि एक जाईल आहे महाराष्ट्राच्या बाहेर. त्याच्यामुळे ते युनिव्हर्सिटीचं रिप्लिकेशन होतं आणि मग तिथे खूप चुका दिसल्या की युनिव्हर्सिटी नागपूर युनिव्हर्सिटीच्या पीएचडीला काही अर्थ नाही असं एक समज लोकांमध्ये होतो. म्हणून हा प्री पीएचडी कोर्स वर्क आपण घेतो की ज्याच्यामध्ये काय मेथोडॉलॉजी असली पाहिजे आणि टेक्निकली मेथोडॉलॉजी काय आहे. एक्सेप्टेड मेथोडॉलॉजी आम्ही शिकवतो इथे तुम्हाला सगळे रिसोर्स पर्सन जे आहेत ते सगळे एक एक्सेप्टेड मेथोडॉलॉजी सांगतात की जी युनिव्हर्सल एक्सेप्ट होते. ठीक आहे एखादा टॉपिक एक्सेप्शनल असू शकतो पण बाकी सगळ्या ठिकाणी जे चालतं तसंच आपल्या इथे पण असलं पाहिजे युजीसीच्या नॉर्म्स प्रमाणे असलं पाहिजे. म्हणून आपण हा कोर्स वर्क पण घेतोय आणि म्हणून आपण सेमिनार्स पण घेतोय. त्याच्यामुळे तुमच्या सिनॉप्सिस मधल्याच गोष्टी जर तुम्ही आम्हाला दाखवल्या तर त्याच्यात काय चेंजेस करायचे असतील तर ते आपण इथे सांगू शकतो. आताही चान्स आहे तुम्हाला बदलायला. तर मॅम मी जसं आहे तसं म्हणजे जे सिनॉप्सिस आहे तसं घेऊन जर प्रेझेंटेशन दिलं मग तुम्ही करेक्शन सांगितले तर तसं चालेल ना. नाही पण समजा आता मी जे सांगितले आहेत करेक्शन जसं हायपोथेसिसचे करेक्शन सांगितले ऑब्जेक्टिव्हचे सांगितले ते करून घ्या तुम्ही. चालेल ठीक आहे. ते करून मग सांगा की बा माझं असं होतं पण तुम्ही सांगितल्यामुळे मी हे असे बदलवले असं पण सांगा. काही हरकत नाही जर तुमच्या चुका असतील अदर द्यान म्हणजे आता मी जे सांगितलं त्याच्यापेक्षाही काही आणखी वेगळ्या चुका असतील तर त्या मी सुधरवी. पण आता मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की हायपोथेसिस असे लिहायचे त्याच्यानंतर नल हायपोथेसिस नको जर नल असतील तर त्याला ऑल्टरनेट करा तुम्ही नो हा शब्द काढून टाका त्याच्यात नाव.
ठीक आहे. जर ते तुम्हाला नाही जमलं, जर खूप सारे नल हायपोथेसिस आहे आणि तुम्हाला ते नाही जमलं ऑल्टरनेट करायला, तर ते मी तुम्हाला इथे सांगेन. ठीक आहे, चालेल. मग ते तुमचे जसे असतील तसे घ्या, पण ते तुम्हाला कळलंय हे मला कळलं पाहिजे की आज मी तुम्हाला जे शिकवलंय ते तुम्हाला समजलंय. ओके, ठीक आहे मॅम, थँक्यू. बिकॉज इट इज ऍज पर द नॉर्म्स गिव्हन बाय द UGC. ओके ओके मॅडम, सेकंड चॅप्टर मध्ये रिव्ह्यूज आपल्याला सांगायचे आहेत, तर मग प्रत्येक व्हेरिएबलचे रिव्ह्यूज किती किती सांगायचे काय कसं? हे पहा, तुम्हाला जर रिव्ह्यूज लिटरेचर रिव्ह्यू सांगायचा आहे तर त्याचा सरळ एक चॅट करा की कोण ऑथर आहे, म्हणजे रिसर्च पेपरचा ऑथर कोण आहे, पब्लिकेशन कुठे झालेलं आहे, त्याचा टॉपिक कोणता आहे, त्याचे हायपोथिसिस काय होते, त्याचा त्याच्यानंतर म्हणजे हायपोथिसिस म्हणण्यापेक्षा त्याचा एक हे काय होता, फाइंडिंग्स काय होते आणि तुमचा त्याच्यामध्ये काय म्हणजे गॅप ऑफ द रिसर्च, तुमच्या रिसर्चमध्ये आणि त्याच्या रिसर्चमध्ये काय फरक आहे, काय गॅप आहे, तुम्ही काय शोधून काढणार, त्यांनी काय शोधून काढलं आणि तुम्ही काय शोधून काढणार आहात, लक्षात. ह्या गोष्टी ते एक चार्ट करा, 5-6 महत्वाचे असतील त्याचं एका स्लाइड मध्ये टाका. आणि मॅम इंट्रोडक्शन फक्त एक स्लाइड वरच त्यांना कव्हर करायला सांगा, इंट्रोडक्शन वर जास्ती. हा, हे मी पहिल्या स्लाइडला सांगितलं त्यांना की इंट्रोडक्शन हे थीसिस मध्ये लिहायचं असेल तर 30-50 पेजेस आणि जर प्रेझेंट करायचं असेल तर 1 स्लाइड ओनली. येस, अजून विचारून घ्या अजून काही क्वेरीज असतील तर. मॅडम आम्ही हिस्ट्री मध्ये करतो रिसर्च, सो प्रेझेंटेशन मॅक्झिम हिस्ट्री हिस्ट्री मॅम इतिहास. हा, सो प्रेझेंटेशन मिनिमम 7 स्लाइड्स मध्ये द्यायचं आहे. नाही, ते तुमचे हिस्ट्रीचे असतील ना वेगळे रिसोर्स पासून. नाही म्हणजे मॅम अशी फ्री मिळेल की म्हणजे हा टायटल येईल इंट्रोडक्शन येईल, रूल नाही आहे की तुम्ही 7 स्लाइड मध्ये करा, बट इट शुड कव्हर ऑल द पॉइंट अँड इट शुड एंड विद इन पर्क्युलेटेड टाइम. 8-10 मिनिटांमध्ये तुमचं प्रेझेंटेशन झालं पाहिजे. इट मे कन्सिस्ट ऑफ 100 स्लाइड्स, गॉट इट? पण तुम्हाला ते तेवढ्या वेळामध्ये कम्प्लीट करायचे अलॉंग विथ जितके पण आपण पॉइंटर्स आता मॅडमनी सांगितले ते त्यामध्ये यायला हवे आणि प्रॉपर कन्क्लुजन झालं पाहिजे तुमच्या टॉपिकचं. ओके ओके ठीक आहे. ओके, येस मॅम. मैडम अपने को गाइड का नेम नाम वगैरह मेंशन करना है क्या उसमें? यस, टाइटल स्लाइड जो आपकी रहेगी फर्स्ट स्लाइड. ओके ओके, अजून काही क्वेश्चन्स? आता ते सगळं बघतील काय काय आपलं आहे. ठीक आहे, चला मॅडम. थोडस ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हायलाच पाहिजे आणि येस मॅम, असतात बऱ्याच चुका असतात ऍक्च्युली, ते स्टुडंट्सला पण माहिती नसतात त्यावेळेस, त्यामुळे मॅडम काय काय सबमिट करतात. येस येस मॅडम. मॅम एम्पिरिकल स्टडी म्हणजेच एक्सपेरिमेंटल स्टडी होतो का? नाही नाही, एम्पिरिकल म्हणजे ऐतिहासिक, हिस्ट्री वाले करतात. थांबायचं मॅडम इथे. हो, मला हरकत नाहीये, त्यांचे खूप प्रश्न येतात त्यांच्या मनात आता. अजून येतील एक दोन दिवस, अजून उद्यापासून आशिष लिंगे सर त्यांना अजून खूप सारं सांगतील. आता ते घाबरूनच जातील उद्यापासून, कायच करू आपण आता काच करणार पीएचडी.